अगली बार से मैं कराऊंगा नहीं, अच्छे बात, चीट करो खत्म करो यार, क्या मतलब बनता है। हाँ यार इतने टफ क्वेश्चन कराओ लोग, मतलब इब्राहिम ऐसे क्लास क्लास करते रहेगा अभी गायब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी क्या आता है यार, रजत का भी आश्चर्य लग रहा है। अरे मैं तो सफिशियंट टाइम तो आपको मिल ही रहा है यार, इतने सारे इतने कम लेक्चर ले रहे हैं, ले रहा हूँ अभी तो, क्या चाहिए आपको तो? तबीयत ठीक होगी तुम्हारी ओमकार नगड़े? हाँ सर, अभी काफी ठीक है। मम्मी मम्मी की? चलो की भी ठीक है सर, सबकी ठीक है अभी। हाँ बढ़िया है। आंसर निकालो, एंड तक आंसर निकालो जरा। तुमने कैसे किया था मुतासिम ये क्वेश्चन? सर, मेरा भी डाउट था। ठीक है, ध्यान रखना क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में कॉमन कैसे निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? आंसर आ गया क्या? आंसर निकालना जरूरी है, एंड तक आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया ना? नहीं आया? तुम जो मेथड कह रहे हो ना शांतनु, उसमें भी एच और के में एक में क्यूबिक एक में क्वाड्रेटिक होगी, ध्यान दो जरा। अरे हाँ हेलो, सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ वो देख रहा था मैं। एक कॉपी हो गया, कर लिए? आंसर आया जिनगढ़ एंड तक? नहीं सर, कर रहा हूँ। देख 3x-4 है तो बनता हुआ दिख रहा है। ये बार हर स्टेप पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह चेक कर लेना। सर वो आ गया क्लियर नहीं मुतासिम? आएगा ना हाँ, वो जो भी है कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे नहीं आएगा बताओ। सर, वो 4FT80 है ना, आपने 80 कॉमन निकाला तो वो ए कैसे हो जाएगा फिर 4F80। हाँ, यहाँ ये नहीं रहेगा, यहाँ ये नहीं रहेगा, यहाँ ये नहीं रहेगा। ठीक है, वो सब देख लो, इससे आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर 24th वाला बीच है। 24 बोलो। नहीं, ये रेडिकल एक्सिस और डायमीटर वगैरह क्या है ये? डायमीटर ऐसे छोड़ दो कुछ, डायमीटर बस हल्का सा बेसिक बताया, ज्यादा डिटेलिंग नहीं करो डायमीटर ऑफ कॉनिक्स की, भाड़ गया। आगे बोलो।
सर उसको चाहिए कराया... डायमीटर मतलब सर्कल का डायमीटर है। ऐसा है क्या? तो फिर तो कर दो। क्वेश्चन क्या है? हेलो एल ओ एल डैश वो क्या है? अच्छा एल ओ एल डैश, एल ओ एल डैश ये एक सर्कल है और एम ओ एम डैश ये एक सर्कल है। प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एल एल डैश एंड एम एम डैश डायमीटर पासेस थ्रू दिस। तो रेडिकल एक्सिस निकालना है ना यार। तो ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है। अरे हाँ या ना? हाँ सर, ऐसा ही सिस्टम है ना कुछ? हाँ। तो ऐसा ही सिस्टम है ना। तो ये दोनों सर्कल आपस में लिंक्ड कैसे हैं बताओ, कैसे किया है? तो अपन क्या ले ले इसको, बोलो ले लो पॉइंट्स 81 स्क्वायर कॉमा 281 है ना। तो ये वाला पॉइंट कुछ रिलेशन है क्या इसका? कोई रिलेशन नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है ना, क्या ले लें इसको 82 स्क्वायर कॉमा 2 कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। ये 83 स्क्वायर कॉमा 28 आई थिंक वो खुद ब खुद आ जाएगा। बस एक चीज यूज करनी पड़ेगी कि ये दोनों लाइंस जो है कंकरेंट है और यहाँ पे है ना। दिस वी हैव टू यूज दिस लाइन का इक्वेशन कितना होगा, इस कॉर्ड के डायमीटर का इक्वेशन कितना होता है बताओ? y into t1 plus t2 is equals to 2x plus 2a t1 t2 क्लियर है। दूसरा वाला कितना होगा कॉर्ड का इक्वेशन? y into t3 plus t4 is equals to 2x plus 2a t3 t4 है ना। ये दोनों कॉर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे। इन दोनों कॉर्ड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस है ना। दोनों कॉर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो कितना आ रहा है बताओ। फाइंड बोथ द कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वाई इंटू कितना आ जाएगा बोलो, माइनस कर दे सीधा कितना आ रहा है। मेरे को वाई को जीरो करने का है ना, तो करो कितना आ रहा है टी वन प्लस टी टू माइनस टी थ्री माइनस कुछ होगा क्या 2a t1 t2 minus t3 t4 चमकता है? हाँ सर। तो y का वैल्यू कितना आ गया t1 t2 minus t3 t4 by t1 plus t2 minus t3 minus t4 ये जीरो है ना। कितना आ गया t1 t2 is equals to t3 t4 ये क्लियर है? ये क्लियर है। अभी इस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है डायमेट्रिक फॉर्म में आती है ना लिखनी, x माइनस 81 स्क्वायर x माइनस 82 स्क्वायर प्लस y माइनस 281 y माइनस 282 बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा वाला इक्वेशन क्या होगा x माइनस 83 स्क्वायर x और ये सब क्वेश्चन ग्रुप पे पूछने चाहिए, पूछने चाहिए ग्रुप पे 283 y माइनस 284 इक्वल टू जीरो ठीक है। तो ये एस सर्कल है और ये एस प्राइम सर्कल है बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हम लोग क्या चाहते हैं? रेडिकल एक्सिस। हाँ रेडिकल एक्सिस क्या होता है? एस माइनस एस प्राइम ना, एस माइनस एस प्राइम। तो जरा बताओ माइनस करे कितना आ रहा है, कितना इक्वेशन कितनी है पहले वाले ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करोगे तो कितना आ रहा है बताओ? एक्स के साथ कितना है यहाँ पर? x के साथ यहाँ पर है मेरा माइनस 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर। अरे चमकता है ना भाई 83 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और बेटा y के साथ कितना है? माइनस 281 माइनस 282 प्लस 283 प्लस 284 बताओ सही है ना? और प्लस क्या आएगा कांस्टेंट, कितना है कांस्टेंट 81 t2 स्क्वायर माइनस 83 स्क्वायर। अरे तो अच्छा क्वेश्चन है यार, मस्त क्वेश्चन है, ये तो एडवांस टाइप क्वेश्चन निकल गया 4a t3 t4। अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। है ना, क्या प्रूफ करना है कि जो काम जो आया है रेडिकल एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से ना। तो देखो ना इसको यूज करोगे तो ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया है ना।
तो ये लाइन कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से, समझे? हाँ सर, गुड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन निकल गया। ये चमकता है सब जब बनाते हो ना, जो शांतनु पूछा था ना शायद, जब बनाते हो बेटा डाउट उसे पूछ लिया करो। नहीं सर, हो गया था मेरा वो। तो ये डाउट किसने पूछा अभी? मैंने पूछा सर। हाँ ठीक, तो मैंने नाम बता दिया, नाम आवाज में कंफ्यूजन हो रही है, कौन है? आदित्य। अच्छा आदित्य कुमार जी सर। कितना इस बार तुमने दिया था फरवरी में एग्जाम बेटा? हाँ सर, दिया था। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? तो मतलब मार्क्स तो ठीक ही ठाक था, बट परसेंटाइल कम हो गया। गिर गया लास्ट एम से, लास्ट एम 84 था 83 था, 84 था, अभी कितना हुआ इस बार? 91.2 है। 91.2 है, बढ़िया है, ठीक है, रब करें इसको। हाँ सर, हाँ रब करें। हाँ सर, लिख लिया। मुतासिम, मुतासिम तुम जो कह रहे थे कि समय नहीं मिल रहा है, तो मैथ में तुम मतलब मैंने मैंने अपना सेक्शन तो बहुत ही स्लो कर दिया है ना अभी, फिर भी समय सर, नहीं मिल रहा। वो बात नहीं है सर, अभी स्पेसिफिक टाइम की बात है कि हमको इंटीग्रेशन चालू है ना हमारा, पिछले साल इंटीग्रेशन मतलब बिल्कुल बोर्ड लेवल का भी नहीं हुआ था, तो इनडेफिनेट तो ईवाईजी सर ने दो क्लास में किया, और जब तक मैंने इनडेफिनेट ढंग से नहीं किया तब तक मैं डेफिनेट तो पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए मैं खुद से इनडेफिनेट पहले पूरा कर रहा था। मुझे कुछ भी आइडिया ही नहीं है इंटीग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स का और वो सब, तो मैं डेफिनेटली क्लास बैठ कैसे जाता? ठीक है, अभी बीच में 4 दिन छुट्टी है ना? हाँ सर, ठीक है, तो बीच में 4 दिन छुट्टी है, तो एक मैं काम करूंगा, मैंने 4 दिन ना डेली शाम को ना आईडीआई करा दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। 29 का 24 क्या? हाँ सर, 24th वाला क्वेश्चन, 29th का। सर पहले इसी एक्सरसाइज का सर, 28th वाला। मुझे कंडीशन कैसे यूज करना है समझ नहीं आ रहा कि नॉर्मल्स वापस कर्व पे मिलते हैं। टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला, टीपी एंड टीक्यू, और जितने भी टाइप्स हैं ना मुतासिम आईडीआई में वो सारे स्टेट बोर्ड में कवर्ड है। सर मैंने आपकी आपकी 12th के लेक्चर से ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया आइडिया है तो। अच्छा अच्छा, तो उसमें काम करना, हाँ उसमें एक काम करना, पनवेल वाले में मैंने कराया है अच्छे से, बट उतना लेवल तक नहीं गया। चर्चगेट का भी लेक्चर है, ठीक है, उसका भी सुन लेना, उसमें मैंने क्वेश्चन ज्यादा अच्छे कराया, बिकॉज उनका सिलेबस पहले निधि में मैंने कराया था, तो फिर भी मैंने अपने संतुष्टि के लिए कराया था, वो भी देख सकते हो। पनवेल वाले में मैंने शायद थोड़ा लेवल कम रखा था, तो उनका अभी वापस से करूंगा मैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ, टीपी टीक्यू आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला, द नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू, अगेन अ गुड क्वेश्चन, नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू मीट ऑन द आर, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल टीपी क्यू, दिस अ वेरी फेमस क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये सब दुनिया गई भाड़ में, ये चारों पॉइंट कैसे हैं? कौन साइक्लिक बात खत्म, ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, तो हम लोग को निकालना क्या है इस सर्कल का सेंटर का लोकस, ठीक है, बस काम खत्म। अभी क्यू पॉइंट ले लो 82 स्क्वायर, और पी ले लो 81 स्क्वायर, 281, क्लियर है? तो टी पॉइंट क्या होगा, एम जीएम, जीएम क्या होता है, जीएम एम ना, गुड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन, ये लिख दिया, ठीक है। अभी नाउ देयर कैन बी टू अप्रोचेस टू दिस क्वेश्चन, फाइन, आई प्रेफर नेवर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, गलत नहीं होता है, आई प्रेफर नॉट टू डू दैट एवर, काफी गंदा आता है, अपने को ध्यान है वैसे, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ एच कितना होगा, 81 T2 plus 83 square by 2 के कितना होगा, 81 plus T2 plus 283, ये क्लियर है?
अपने पास तीन पैरामीटर है T1, T2, T3 है ना, तो रिलेशन चाहिए होगा। अब T1 का नॉर्मल इस पे मीट किया ना T3 पे, तो T3 इक्वल टू क्या होगा, -T1 -2/T1। हाँ, और T3 कितना होगा, यहां से भी नॉर्मल आया है तो T3 कितना होगा, -T2 -2/T2। हाँ सर, दिन किया था ना ये, ठीक है। तो अभी दोनों को इक्वेट कर दो, तो T1 + 2/T1 = T2 + 2/T2। तो ये तुम्हारा आ गया T1 T2 का वैल्यू 2 आ गया, T1 T2 का वैल्यू 2 आ गया, 2 आ गया। यहां तक क्लियर है? हाँ, ठीक है। सो अपने पास 2H का वैल्यू कितना आ गया, 2A + AT3² और 2K का आपने गलत लिखा है, 2K इक्वल A × T1 + T2 + 2A T3। सॉरी मैं ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी माय मिस्टेक। A T1 + T2 + 2A T3, हाँ सॉरी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ना अपने को, ठीक है। तो T3 आ गया, अभी यहां से 2K, अभी एक ही वेरिएबल में चेंज करना है ना अपने को, तो हाउ कैन वी चेंज, यहां पर मैं A × T1 को ही रिप्लेस कर दिया, T1 + 2/T1, ये बात चमकती है, +2AT3 + 2AT3। नाउ व्हाट कैन आई डू, टेल मी सर। T3 को ही एलिमिनेट करना है, T3 को तो एलिमिनेट करना है और T1 को भी एलिमिनेट करना है ना, सबको एलिमिनेट करना है ना, तो नेक्स्ट स्टेप कैसे करें सर? तो T1 + T2 था, उसको ही हम -T3 लिखे थे, T1 + T2 को ही -T3 लिखे, कैसे, क्योंकि तीनों के नॉर्मल्स आर पे ही मीट कर रहे हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी अपन यूज कर सकते हैं ना, ये बात चमकती है। हेलो, हाँ, तो चलो उससे मैं नहीं करता, मैं कह रहा हूँ चलो इससे, इस वाले इतने से नहीं कर सकते क्या अपन, यहां से नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आ जाएगी, यहां से सोच के बताओ मुझे, कुछ कर सकते हो क्या यहां से? यहां से अपन कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते, देखो ना यहां से कुछ दिख रहा है तुमको, हो तो रहा है। अरे बेटा T1 + T3 दिया है हमने, निकाला ना, हाँ, तो अंतर नहीं पड़ता ना, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, हाँ। ये बात क्लियर है? तो T3 आ गया ना, अभी T3 को इसमें डाल दो, ये क्लियर है? हाँ सर, समझा? हाँ, ठीक है। या मेथड टू तुम ये कर सकते थे, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन, कि चूंकि इसी पॉइंट पे तीनों, यहाँ पे एक नॉर्मल तो ये गया, एक नॉर्मल तो इधर गया, और ऑब्वियसली कर्व के हर पॉइंट पे एक नॉर्मल तो खुद ब खुद होता ही है, कर्व के हर पॉइंट पे एक नॉर्मल खुद ब खुद होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, हाँ सर। तो इस पॉइंट से पासिंग कितने नॉर्मल, तीन नॉर्मल्स हैं, स्लोप क्या है उनका, T1 T2 T3 का सम क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल जीरो होता है ना, तो T3 का वैल्यू कितना आ गया, -T1 -T2, ये बात चमकती है? हाँ, नहीं समझा सर, वो पॉइंट को ही अपने नॉर्मल ले लिया क्या, तो पॉइंट है ना 2A - H1 - T - K = 0, इसके तीन रूट्स होते हैं ना T1 T2 T3। हाँ, और तो और इस बार तो इस पॉइंट पे एक नॉर्मल गया, दूसरा नॉर्मल गया, और हर पॉइंट पे एक नॉर्मल तो खुद ब खुद बनता ही है ना, तो इसी आर पॉइंट पे कितने नॉर्मल्स बनने चाहिए, तीन बनने चाहिए, तीन बन रहे हैं ना, वो तीनों रूट्स क्या है, T1 T2 T3, चमका। तो T1 + T2 + T3 कितना आया, जीरो आया ना, तो T3 कितना आ गया, -T1 - T2, ये यहां तक आ गए। और H और K क्या है इस केस में, H और K क्या है, AT3² - 2AT3, ये बात चमकती है क्या, इसको डाल दो इसमें, देखो क्या आता है,
अरे हेलो हेलो, तो आपका टी वन टी टू टी थ्री कितना है सर? स्क्वायर कॉमा टू ए की नहीं है ना? अरे नहीं यार, वो एच कॉमा के नहीं यार, ठीक है, मतलब ये अल्फा कॉमा बीटा देना पड़ेगा मुझे अब, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। अरे ये जो आर पॉइंट है इस पे तीन नॉर्मल दिख रहे हैं, तुम नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं, ठीक है, तो वही एच कॉमा के डाल दिया। टी वन टी टू टी थ्री कितना है? के है ना, और टी थ्री कितना है? T1, T2, T3 तुम्हारा K by A आ गया ना यार? हाँ सर। अरे कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? T3 तो अभी, हाँ तो K कितना है? What is K? 283 by K A है ना? A कट गया, T3 कट गया, क्या आ गया वापस से? T1, T2 equal to? 2। वापस से वही आ गया ना? अरे ये बात चमकती है क्या? हवाएं बातें कर रहे हो फिर से? नहीं किया हूँ, बताओ मतलब QR से पासिंग सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। QR से पासिंग सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। और हाँ, बोल। सेंटर कंपेयर कर दिया। QR से पास किससे किससे सेंटर कंपेयर किया मतलब? QR नहीं सॉरी PQ, ये दो गिवन पॉइंट है ना, PQ मतलब P से टेंजेंट बनाया और Q से टेंजेंट बनाया, तो PQ से ही एक पासिंग लाइन है अपने पास, वो T1 plus T2 by 2 equal to X plus AT1 T2, वो तो PQ की लाइन, और फिर एक सर्कल का इक्वेशन जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, डायमेट्रिक वाला। हाँ ठीक है, फिर और फिर उसको मतलब सॉल्व किया, और फिर ये जो पॉइंट रहता है T भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तुमने उसको जो फैमिली लिखा, तुमने पास किससे कराया उसको? ये टी पॉइंट से, AT1 टी पॉइंट से पास कराया, ठीक है। फिर लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल गया, सर्कल का सेंटर तो माइनस जी को माइनस एफ होता है, फिर उससे वो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन किसी भी कर्व में जा सकता है, एलिप्स में, हाइपरबोला में। सर उसने जो बोला उसमें सर PQ को डायमीटर कैसे ले सकते हैं? वो तो बस दो सर्कल पे लाइन पॉइंट होंगे ना। फैमिली लिख रहा है ना वो दो पॉइंट से यूजिंग। अच्छा ठीक है, फैमिली लिख रहा है वो, तो फैमिली लिख रहा है ना। हाँ। नेक्स्ट बोलो। पूरे सॉल्यूशन में नॉर्मल्स वापस पैराबोला पे मिल रहे हैं, वो किधर यूज हुआ? यही तो यूज किया नहीं, नहीं जो ओमकार ने बोला। अच्छा जो ओमकार ने बोला, वो जो फैक्ट है ना वो ज्योमेट्रिकली खुद ब खुद एसर्टेन हो जा रहा होगा, बिकॉज ज्योमेट्रिकली फिगर ऐसा है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर ही ऐसा है कि अगर तुम्हारा तुमने ये जो सर्कल बनाया है, एक मिनट, सर वो बस उससे यही आता है कि वो उससे भी पास करेगा तो उसका मिड पॉइंट ही निकालना होता है हम लोग को, ऐसा फैमिली से नहीं। बट क्वेश्चन इसकी बात जेन्युइन है ना कि सर आपने वो यूज किया, आपने वो यूज किया, तो इन तीनों पॉइंट से पासिंग तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं ना, लेकिन ज्योमेट्रिकली ऐसा फैक्ट है ये कि ज्योमेट्रिकली तो ये फैक्ट हो जाएगा ना कि अगर सर्कल इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है तो ऑब्वियसली चौथे पॉइंट से पास करेगा ही, जो कि उस सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट होगा ना। हाँ क्योंकि चारों तो कौन साइक्लिक है ही ना, कि वो अगर वो तीन से पास करेगा। क्वेश्चन नहीं, नहीं क्वेश्चन ये उठता है ना कि मैं कोई भी तीन पॉइंट लूंगा सर्कल, दो पॉइंट सर्कल का लिया, उस पर मैंने टेंजेंट बनाया और सर्कल सर्कम सर्कल बनाऊंगा हमेशा, तो वो नेसेसरी है क्या कि पैराबोला के पॉइंट से पास करेगा? तुमने यूज किया है क्या नॉर्मल का इंटरसेक्शन कहीं पे ओमकार? नहीं सर, मैं तो बस इसमें ही किया और फिर आता है वो। सर मैंने तो मतलब
सर वो मिड पॉइंट के लिए यूज किया मैं तो डायरेक्ट, और कुछ यूज नहीं किया उसने। नहीं अगर ये पी है ये क्यू है और यहाँ बनाए टेंजेंट और ये सर्कल बनाएंगे अगर अपन कोई भी सर्कल, ठीक है, तो फिर अगर ये सर्कल बनाया है अपन ने तीन पॉइंट से पासिंग तो इनफिनाइट सर्कल बन सकते, नहीं एक ही सर्कल बनेगा, और चूंकि ये टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे और यहाँ पर नॉर्मल्स बनेंगे, वो खुद ब खुद यूज हो जा रहा होगा मेरे ख्याल से। मुतासिम, हाँ मुतासिम, मेरे ख्याल से खुद ब खुद यूज हो रहा होगा वो, ठीक है सर, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगा क्योंकि मैं ऐसा भी तो नॉर्मल दो बना सकता हूँ जो पैराबोला पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, और फिर मतलब एक कंडीशन तो यूज करना ही पड़ेगा कि पीक्यू का नॉर्मल पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो कंडीशन किधर तो यूज करना ही पड़ेगा ना, वही मुझे लग रहा है, मतलब पता नहीं मुझे सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये फील नहीं आ रही है कि कैसे यूज हो रहा है उसका, ऑटोमेटिकली कैसे यूज हो रहा है वो मुझे बार बार डाउट आ रहा है, बिकॉज कभी भी टेंजेंट बनाएंगे अगर ये बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसका जिंदगी में नॉर्मल बनेगा और ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे, तो ये कैसे हम बोल पा रहे हैं कि जो चौथा पॉइंट है वो पैराबोला पे ही खुद ब खुद आ जा रहा है हमेशा, तो दिखा सकता है फाइट मार उनका, बस श्वसन शेयर करना था, श्वसन को देखते को लुक पता नहीं कहीं कुछ छिपा नहीं है ना, मेरे को फील नहीं, मुझे फील नहीं आ रही इस चीज की, मुझे फील नहीं आ रही, ठीक है नेक्स्ट बोलो, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है यार, एक बार ये कर लो दिमाग खुल जाता है बिल्कुल, नेक्स्ट बोलो, हो गया क्या इतना, आगे बढ़े हैं? हाँ सर, चलो भाई 29 तो सिंपल था, वो डायरेक्ट थे बहुत सारे क्वेश्चन, बोलो सर 29 उसमें ज्यादा नहीं फंसना चाहिए 29 में, tangents to the inter, यार ये सब लंबे लंबे हैं, two tangents to parabola intercept on a fixed line on a fixed, क्या two tangents to a parabola intercept on a fixed tangent segment whose product is constant to that locus of the point of intersection is straight line, देखो this you can do, मतलब the fixed tangent ना, ठीक है अगर कोई भी parabola है fine, उसका जो fixed tangent है ना, दो तरीके हो सकते हैं समझाने के, ठीक है मैं तुमको एक ऐसा सिखा दूं, क्या फिलहाल फिक्स टेंजेंट को मैं ले लिया एक्स, सर 11th वाला पूछ रहा हूं आप 12th बता रहे नॉर्मल 11, अच्छा सॉरी सॉरी मुझे 6th वाला है सर, 12th वाला बोलो, हां बोलो 6th वाला, हां cos से tan नहीं बना सकता है, cos से tan नहीं बना सकता है, cos square theta 1 cos square theta 2 is equals to mu square 1 by 1 plus tan square theta 1 हो गया, अच्छा हाँ 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 भाई 11th है normal आया, prove that the point of, हाँ वही है ना वापस से देखना, तो अपना कैसा है, कैसा है कि ये P है और ये Q है, इधर को क्या बनाया नॉर्मल, क्या बनाया नॉर्मल, ये कहां मीट कराया पैराबोला पे ही मीट करा दिया, ठीक है अब इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए, यही फिगर है, हाँ सर ठीक है रे, तो अब बता एच क्या होता है, 81 स्क्वायर कॉमा 281 क्या होता है, जीएमएम ना, जीएमएम मॉर्निंग ऑफ गुड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, एच कितना होगा, A T1 T2, ये कितना होगा A T1 plus T2 by 2, हाँ ठीक है, अभी अपन अगर देखे तो T1 और इसको T3 मान लेते हैं, ठीक है हाँ सर, तो क्या आ गया T3 is equals to -T1 - 2 by T1 और T3 is equals to -T2 - 2 by T2, क्लियर है, हाँ अरे हाँ या ना, हाँ सर पक्का ना, हाँ तो कितना आ रहा है, इस अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर जे एडवांस, मैक्सिमम लोग इसमें गलत करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है सॉल्व करो ये कितना आएगा, T1 T2 equals 2 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आंसर आ गया है ना,
अब इस आपने जो एजम्पशन लिया है ना फिगर में, उसमें एक गलती एजम्पशन में, ये आपका एक टाइप, ये आपका वन केस है, केस वन है, केस टू क्या होगा इसमें? पी और क्यू कोइंसाइड कर रहे, पी और क्यू कोइंसाइड कर जाए, पी और क्यू कोइंसाइड करेंगे फिर टेंजेंट कैसे बनाओगे? पी और क्यू, सॉरी तीसरा पॉइंट कोइंसाइड नहीं, ये पी है ठीक है, और क्यू यहाँ पे आएगा आपका, ध्यान देना अब, समझे? तो पी आपका ऐसे जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और क्यू आपका ऐसे जा रहा है, ओके? अब जो पी से जो नॉर्मल आया है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला कि पी और क्यू का नॉर्मल कोइंसाइड कर रहा है ना, तो क्यू का, क्यू पे तो एक नॉर्मल जिंदगी में हमेशा ही पैदा रहेगा, हाँ या ना? हाँ, क्यू पे एक नॉर्मल तो जिंदगी में हमेशा पैदा रहेगा ना, और हाँ, पी का नॉर्मल, अरे ये बात चलती क्या? हाँ. तो अभी ये पॉइंट के आगे ना, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर आईआईटी एडवांस, ठीक है? और ये क्या है, 82 स्क्वायर कॉमा 282, बोलो अब ये एच कॉमा के कितना आएगा? 81 t2, कम ऑन गाइस, 81 प्लस t2, बोलो हाँ या ना? हाँ. और इस बार t2, इस बार t2, t1 का नॉर्मल t2 पे मीट किया है ना, तो t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -t1 -2/t1, क्लियर है? हाँ. अभी एलिमिनेट कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो? बताओ, T1 प्लस T2 से T1 आ गया, कर लोगे ना एलिमिनेट? हाँ सर, करके देखो आंसर आता है क्या? चमका, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए वेरी गुड क्वेश्चन, मैक्सिमम जनता विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोलो नेक्स्ट आंसर, आंसर मैच कर लीजिए इसको। मैच कर लिए? ध्यान पानी पिलाओ प्लीज। हाँ सर, मैच हो जाता, ठीक है? नेक्स्ट बोलो सर। 12th वाला, वो जो फिक्स टेंजेंट है ना, उसको तुमने वाई एक्सिस मान लो, रब करे इसको। हाँ सर, सर मैंने माना था टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो आपने मना किया था। हाँ मुझे याद आया था, मैं जो ही बोला ना वाई एक्सिस मान लो, तो मैंने मतलब ठीक है, वो ऐसा ठंडा पानी लग गया उसमें, कैसा है ना कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है? बाकी अदरवाइज कैसा है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चलो मैं करके दिखा ही देता हूँ, कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है? क्वेश्चन कैसा है कि ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है? और क्वेश्चन को क्या प्रूव करना है कि ये टेंजेंट जो है एक फिक्स टेंजेंट पे, अरे हेलो, प्रोडक्ट कांस्टेंट जो पैराबोला, इनका प्रोडक्ट नहीं, मतलब टू टेंजेंट्स टू पैराबोला इंटरसेप्ट ऑन अ फिक्स टेंजेंट सेगमेंट्स हुज प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट है सर? वो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये वाला? हाँ, और वो फिक्स नहीं, हाँ 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 वही, हाँ सर वही है, वही कांस्टेंट है। अरे भाई ये पी है, ये क्यू है, आर का लोकस चाहिए, ये गिवन टेंजेंट है, ठीक है? तो कोई तो लेंथ तो कुछ, मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ में तो आया नहीं इंग्लिश, वो क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट ऑन फिक्स्ड टेंजेंट सेगमेंट्स हुज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। वो जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को भी सर मार्क कर दो। हाँ, मेरे ख्याल से इतनी मुझे इंग्लिश समझ में आ रही है, शायद ये कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, वो GG1 और GG2 कांस्टेंट है। ये पढ़ के कहाँ लग रहा है ऐसा? Prove that नहीं, whose two tangents to parabola intercept on a fixed tangent segments intercepts on fixed tangent segments whose product is constant, segments fixed tangent का segment तो फिर, हाँ शायद तुम लोग सही कह रहे हो, शायद यही होगा, मुझे पता,
जी जी वन जी जी टू इज कॉन्स्टेंट, ऐसा कह रहे हो ना तुम लोग? अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो काफी लंबा चला जाएगा ऐसे करने जाएंगे तो। अच्छा कर सकते हैं क्या? कोई हेल्प करेगा? कुछ अच्छा कर सकते हैं? कैन वी हैव सम गुड तरीका? ये जी वाला टेंजेंट गिवन है ना? हाँ सर, तो उसका हम एक पैरामेट्रिक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। उसका हाँ, उसका अपने को स्लोप लोप मालूम है ना, वो जो जो फिक्स टेंजेंट है उसका पूरा सिस्टम ही मालूम है ना अपने को, बोलो है ना? हाँ सर। तो आर से ये पी और क्यू जो पेयर ऑफ टेंजेंट है, मैं एक ही बार लिख देता हूँ मेरा काम, मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक बार इसको यूज कर लेते हैं ना, y स्क्वायर माइनस 4ax इनटू s1 क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4ah, अरे क्लियर है, और इक्वल टू t स्क्वायर कितना होगा, yk माइनस 2a x प्लस h का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब मैं ना इस वाले से ना कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या ले लू, पी कॉमा क्यू ले लें, है ना? तो इस पॉइंट पे कोई भी लाइन क्या होगी बताओ, पी प्लस आर वन कॉस थीटा और क्यू प्लस आर वन साइन थीटा, बोलो भाई क्लियर है क्या? मैं इसको इसमें डालूंगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके मुझे बताओ आर में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्या बन रही है। पहले तो सिंप्लीफाई कर ले इसको ना थोड़ा सा, ऐसे तो बहुत ही गंदा लग रहा है ना देखने में, तो कि सिंप्लीफाई होके इक्वेशन क्या बनती है। हाँ भाई बोलो, इसको डालो इसमें और फिर वहां से आर वन आर टू को के करो, अपने आप आंसर आ जाना चाहिए। जब सॉल्व करो तो एंड तक आता है क्या, मुझे बताओ इसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आती है, किसी ने सिंप्लीफाई किया होगा ना ऑब्वियसली। इसको डालो इसमें और बताओ क्या आता है, किसी ने किया कि मुझे ही करना है? सर मैंने एक एक करके किया था पूरा, पी को टी वन, क्यू को टी टू और फिर सब पॉइंट्स को लेबल किया था। हाँ सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आता है, मतलब मेरा हाँ आएगा ना। मैं कह रहा हूँ इससे मैं करके देखते तो हैं, देखने में टफ लग रहा है बट हो सकता है ना बहुत ज्यादा सिंपल हो। y स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4ax प्लस h का होल स्क्वायर, आप समझो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको बस आपको क्वाड्रेटिक से ही मतलब नहीं, आपको बस r1 r2 चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो लेट्स सी ना क्या होता है, माइनस 4ay k, थोड़ा सा तो आप लोग भी हिम्मत दिखाओगे ना मेरे साथ, मैं कहने कितना करूंगा। तो ये और तो कट गया, वाई स्क्वायर के स्क्वायर क्या आ गया सर? इधरी से डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं ना। हाँ पर डालना पड़ेगा ना आर वन आर टू, तो कुछ तो कटेगा ना इसमें, वाई स्क्वायर माइनस टू फोर। अच्छा तुम कह रहे हो यहीं पर डाल दे सीधा, कर सकते हैं क्या वैसे? हाँ कर ही सकते हैं ना। चलो तो यहाँ पे डालते तो क्या आ रहा है बताओ, पी प्लस आर वन कॉस, नहीं सॉरी, q प्लस आर वन साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ax कितना है, p प्लस आर वन कॉस थीटा। अरे इतना क्लियर है? इस क्वांटिटी को तो आप पकड़ लो क्या, लैम्डा पकड़ ले है ना, यहां बताओ कितना है, p प्लस आर वन कॉस थीटा, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग लूज कर रहे हैं, माइनस 2a q प्लस आर वन साइन थीटा प्लस h, बोलो भाई क्लियर है? हाँ सर। अरे हाँ, तो अभी आर वन में, आर में आर वन कहाँ से आ गया, आर में क्वाड्रेटिक है ना बॉस? हाँ सर। तो जरा आर वन आर टू रीड किया जाए,
तो एक काम करेंगे अपन मन में बैठा लेंगे कि आर में क्वाड्रेटिक यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, बताओ आर वन आर टू में क्वाड्रेटिक में कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ रहा है, ये सब उधर शिफ्ट किया है, ठीक है, ध्यान रखना इन सबको उधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, अब बताओ आर वन आर टू में माइनस, हाँ माइनस फोर ए पी लैम्डा, पहले इसका लिख लेना माइनस फोर ए पी लैम्डा प्लस क्यू स्क्वायर लैम्डा, यहां तक हम सभी लोग क्लियर हैं? हाँ हाँ, फिर यहां से भी आएगा ना कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ रहा है सर, पी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस नहीं माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर, ओके प्लस फोर ए क्यू स्क्वायर, फोर माइनस है ना बाहर, फोर ए क्यू स्क्वायर माइनस माइनस टू ए एच, फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, और आर का, आर का वैल्यू क्या है, आर का सर साइन स्क्वायर थीटा लैम्डा, तो हटना साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फोर ए ना फोर ए, फोर ए कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी मेरे को आर स्क्वायर चाहिए ना, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बस है ना, फिर इसका आएगा ना टर्म क्या आ रहा है के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फस रहा है यार माइनस के स्क्वायर, सर वो आपने उल्टा पुट कर दिया ना, वाई के है तो वाई इंटू क्यू प्लस आर वन साइन थीटा होगा, क्या हुआ आपने जो पुट किया है टी स्क्वायर वाले में, तो वाई के है ना, तो वाई पी क्यू प्लस आर साइन थीटा है, अरे यार क्यू प्लस साइन थीटा आएगा और ये कॉस थीटा आएगा, ठीक है मेरी हिम्मत जवाब दे दी, ठीक है क्योंकि आप लोग को दिखा नहीं रहे, इंथ यहाँ से आर वन आर टू निकाल लो, हाँ सर निकाल रहा, आ जाना चाहिए, नेक्स्ट बोलो, आप नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है नेक्स्ट बोलो, ट्वेंटी फर्स्ट, हाँ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स विच आर, अबे कंप्लीट तो करोगे मेरी लाइन, नॉर्मल टू दी कर्व, नॉर्मल टू दी कर्व, तो कैसे करेंगे लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ दी कॉर्ड्स है ना विच आर नॉर्मल टू दी, तो यहां से आपका एक, आपने एक क्या बनाया कॉर्ड बनाया और यहाँ पे क्या है वो नॉर्मल है, नहीं ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड विच आर, हाँ तो मतलब ये आपका कॉर्ड है जो कि आपको नॉर्मल है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आके मीट कर रहा है, बोलो हाँ या ना, हाँ सर, तो ठीक है ना, तो फिर इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर, बोलो मिड पॉइंट क्या होगा, टू ए टी वन प्लस टू ए टी टू है ना, और ये नॉर्मल आके वापस मिला है ना, तो टी टू क्या होगा माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन, ठीक है क्लियर है, हाँ हाँ, ये तरीका एक तरीका जो आपका पैराबोला में काम करेगा, ऐसा तरीका जो तीनों कोनिक्स में काम करे उससे करते हैं, तो ये आपका नॉर्मल है ना, ये आपका मिड पॉइंट है एक्स वन कॉमा, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू एस वन वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर माइनस टू ए एक्स वन, क्लियर है, हाँ, अब यही चीज नॉर्मल भी है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एटी स्क्वायर वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टू एटी प्लस एटी क्यूब, अरे हाँ या ना, वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू टू एटी प्लस एटी क्यूब, ये आपका तरीका यहाँ पे आपका काम कर जाता है पैराबोला में, एलिप्स और हाइपरबोला में सेम क्वेश्चन नहीं कर, दिक्कत आ जाती है, ऐसा नहीं होगा दिक्कत आ जाती है, इसलिए मेथड ऑफ कंपेरिजन आना चाहिए, माइनस टू ए बाई टी, बोलो कितना आ रहा है, वाई वन स्क्वायर माइनस टू ए, बोलो क्लियर है, यहाँ तक
अपॉन 280 प्लस 80 क्यू। हाँ क्लियर है। तो तुम्हारे पास हाँ। P1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2a/y1 आ गई, ठीक है। हाँ। और तुम्हारे पास यहां से अगर तुम निकालो, अगर तुम वैल्यू वापस से, तो यहां से भी इन दोनों इक्वेशन से यूज करोगे, हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस 2a इंटू 2a प्लस 81 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। क्लियर है? हाँ सर। डाल दो t1 का वैल्यू, आ गया लोकस? हाँ सर समझ गया। हाँ तो बोथ द मेथड्स यू शुड नो, बिकॉज सेम क्वेश्चन अगर एलिप्स में आएगा कि एक गॉड, एक गॉड है वो नॉर्मल है, उसके मिड पॉइंट का लोकस, टी इक्वल टू एक्स1 लिखोगे और नॉर्मल से कंपेयर करके साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे। ये बात चमकती है क्या? जो भी पैराबोला में क्वेश्चन है, ऑलवेज थिंक ये क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला में कैसे बन सकता है। नेक्स्ट बोलो, 24th वाला। रब करें इसको। हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि एलिप्स उलिप्स पड़े जो आना मिल गया। ठीक है बताओ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पी है और यहाँ पर अरे भैया बताओगे क्वेश्चन तो बताओ मुझे, मैं बुक रख दिया, क्वेश्चन बताओ। कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे जो नॉर्मल बना है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला पे मीट करते हैं। हाँ तो इस हाँ मतलब समझा ही नहीं क्या बोल रहे हो तुम। ये P है और ये Q है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए है ना। हाँ कंडीशन क्या है, P और Q का नॉर्मल वापस पैराबोला पे ये जो अभी किया था वही है। तो ये T1 है ये T2 है, तो H क्या होगा बताओ, AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर 2, और 2 के क्या होगा AT2 प्लस 2AT21 है ना, और ये T3 है तो T3 कितना होगा माइनस T1 माइनस 2/T1, और T3 कितना होगा माइनस T2 माइनस 2/T2 है ना। सॉल्व करके T1 T2 कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ कर लोगे अभी, ये कितना है 2H इज इक्वल टू ए T1 प्लस T2 का होल, इतना तो नहीं आता, माइनस 2A T1 T2 ये कितने, और 2K इज इक्वल हाँ T1 प्लस T2 आ गया। ये निकाल के डाल दो और ये डाल दो, ये बात चमकती है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, सर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 25 करना चाहता, 25 दिया था नहीं दिया था मैंने 25 सर 25 आपने, हाँ वो जो क्लास में आपने एनवेलप वाला कॉन्सेप्ट कराया था। हाँ हाँ तुम हाँ तो उसमें तुम लोगों ने कैसे किया, तुम लोगों ने डी इक्वल टू जीरो से किया कि तुम लोगों ने जो लाइन जो इक्वेशन आया तुमने उससे ही रीड कर लिया कर्व, कैसे किया मुझे जानना था। वो रीड ही कर लिया सर। हाँ बढ़िया ठीक है, अगर रीड करने में दिक्कत आती है तो डी इक्वल जीरो कर दो, ज्यादा दिमाग ना खराब करो अपना, ठीक है। नेक्स्ट बोलो भाई, कहाँ तक था ये, 25 तक था ना, 26 भी था, पूरा था सर। 27 अरे अरे नहीं ये तो नहीं करो, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया ना यार, सॉरी हम लोकस निकाल देंगे उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज वी वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व बिकॉज ये जो दिया हुआ है फॉर्म, वो फॉर्म तुमको नहीं आता, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन, मैं तुम क्वेश्चन बताओ क्या है। अरे हेलो बॉस, क्वेश्चन क्या है, वर्टेक्स से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पैराबोला पे, पैराबोला पे कि कॉर्ड पे, अपॉन कॉर्ड सॉरी कॉर्ड वर्टेक्स पे 45 डिग्री सस्पेंड कर रहा है, तो वर्टेक्स से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर फीट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस है, यही है ना। हां वेरी गुड। हां अब मुझे बताओ क्या एच कॉमा के के रिस्पेक्ट में तुमको ये लाइन लिखना सिखाया है, मैंने नहीं सिखाया है। hx plus ky equal to h square plus k square है ना सर, पैराबोला के
इक्वेशन है ना, और एंगल 45 इसको होमोजेनाइज कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax hx प्लस ky h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब इस केस में 90 नहीं है, क्या है 45 है, तो क्या अंतर पड़ता है अपने को, अपना क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई, बोलो बेटा ए प्लस बी चमका। तो कंसेप्ट ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, ओरिजिन से फीट ऑफ परपेंडिकुलर अगर एच कॉमा के है, इस लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखना आना चाहिए, पता है ना कैसे लिखा है, इसका स्लोप के बाई एच है, इसका स्लोप माइनस एच बाई के है, तो माइनस एच बाई के का स्लोप का लाइन क्या होता है एच एक्स प्लस के वाई, कहां से पास कर रहा है एच कॉमा के से, तो वी आर अराइव्ड एट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये क्लियर है। हाँ सर, तो उन्होंने जो आर दिया है वो ये जो परपेंडिकुलर डाला और थीटा वो 45 नहीं, नहीं 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 वो नहीं है, ये जो आर है ना ये इन्होंने पोलर फॉर्म में आंसर दे दिया है, ठीक है, आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, आर इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड थीटा मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दिस एंगल की बात हो रही होगी शायद, ठीक है, ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म है, उसी को फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ते नहीं अपन ज्यादा, ठीक है नेक्स्ट बोलो। 30 भी था क्या? हाँ सर, हाँ सर 30 दिया था, एक 120। चलो नेक्स्ट बोलो सर, 30 का 6 जाने का 4 बिल्कुल ही 30 का 4 अरे यार 30 का 4 टू ऑफ देम मेक इक्वल एंगल विद द लाइन। देखो भाई ऐसा है कि जब इक्वल एंगल की बात होती है ना, तो ये m है, एक का स्लोप m1 मान लो, एक का स्लोप m2 मान लो, और एंगल्स को ऐसे इक्वेट कर दो, m2 माइनस m बाई 1 प्लस m2 m और इज इक्वल टू m माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 m1 m। अब आप बोलोगे m क्या है, ठीक है, तो आपको मालूम है ना कि अपने पास इक्वेशन क्या होती है, बोलो एटी क्यू प्लस 2। अरे हाँ या ना, ये होती है ना, इसी को इसी को मैंने m वाले में भी चेंज किया था ना आपके लिए, याद है इस माइनस टू एम माइनस टू एम को, हाँ t को माइनस m डाल दिया था ना, हाँ भाई t, हाँ t t t क्या t को माइनस m डाल दिया था, तो am क्यूब माइनस टू ए माइनस एच इंटू एम है ना, और प्लस के इक्वल टू जीरो ऐसा ही आया था, नहीं सर एम पे भी नेगेटिव आया पहले वाले, ओ हाँ प्लस है बराबर, हाँ प्लस वाला माइनस, हाँ ये भी प्लस हो जाएगा ना, ये चमका। अब इसके रूट्स क्या हैं, एम वन एम टू एम थ्री, और इस वाले इक्वेशन को यूज करो, क्लियर है, अंडा वही रहेगा, हाँ सर अंडा वही रहता मतलब... है कि कैसे भी करके एक एम निकालना होगा तुमको, समहाउ ट्राई टू गेट एम थ्री, हाँ M3 निकल जाता है उसके बाद फिर क्या करना है सर, मतलब M3 निकालने के बाद M3 इसका रूट है, M3 इसका रूट है, सेटिस्फाई करा दे, हाँ ठीक है सर समझ गए। नेक्स्ट बोलो सर, सिक्स्थ वाला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देयर फीट इज कांस्टेंट, ये तुमने ग्रुप पे पूछा था ना, किसी ने आंसर नहीं किया, ठीक है, तो 81 स्क्वायर 281 82 स्क्वायर कॉमा 282 83 स्क्वायर कॉमा 283, तो क्या आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू ए स्क्वायर T1 माइनस T2 T2 माइनस T3, मैं इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, सही है ना, ये 2228 हाफ 4 आ रहा है ना, पता नहीं क्या होता है 81 स्क्वायर 2228 हाफ नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, देखो ना हाफ इनटू 81 स्क्वायर 281 1 82 स्क्वायर 222 कट गया पूरा ही, तो हाफ नहीं, हाँ हाफ ऑफ यही आ रहा है, ठीक है, तो अब अपने पास जो इक्वेशन है at क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू टी, कोई एलिमिनेट नहीं कर पाया सर, ये बहुत ही
हाँ सर कुछ ज्यादा ही घटिया, एंड में मैं खुद कंफ्यूज हो गया सॉल्व करने का। ऐसा है क्या? हमने क्वेश्चन तो सही पढ़ा है ना, फीट का मतलब यही है ना, क्या है ये सिक्स्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय देयर फीट, फीट तो वही होता है। टी वन माइनस टी, अच्छा तो दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू गेट इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स। है ना? हाँ सर, मगर क्यूबिक में दो रूट का डिफरेंस तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स का वी नीड द प्रोडक्ट, है ना। तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री तो जीरो है, तो क्या इसको यूज कर सकते हैं क्या? स्क्वायर करके कर सकते हैं सर, स्क्वायर तो अरे कर सकते हैं, बट स्क्वायर करने में मेरी हिम्मत तो जवाब दे रही है, बिकॉज वो टू टी वन टी टू फिर टी थ्री बन जाएगा, और फिर टी थ्री में मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा दूंगा। नाइस यार, इससे कर सकते हैं क्या? T1 plus T2 plus T3 जीरो। ओफ ओफ, T2 को रिप्लेस करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, मतलब जो इक्वेशन है। नहीं नहीं, डिफरेंस का, रूट्स को डिफरेंस में चेंज करना मेरे को नहीं आता। मैं पहले इसमें देखता हूँ ना, T1 minus T2 को अगर मैंने T1 को रिप्लेस किया तो minus T2 minus 2 T2 minus T3 बन जाएगा ना, ये तो हॉरिबल हो जाएगा ना, ये तो हॉरिबल हो जाएगा। सर खोल के देखते हैं ना सर, बराबर शायद होगा कुछ। एक मिनट रुक ना, जो जिसने कहा था ना वो मुझे अच्छा लगा था सुनने में, T1 plus T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 सर वो 4 आ जाएगा, और तो हाँ यही है ना। हाँ ठीक है, तो अभी T1 ये तो T3 बन जाएगा, ठीक है, T3 स्क्वायर माइनस T1 T2 T3 कितना है? K by A है, तो ये मैं 4 सर उसको K by A सर उसको ना ऐसा मत, रुको ना रुको ना, एक मिनट रुक जाओ, अरे मैक्सिम गलती करूंगा ना क्या हो जाएगा, तो पाप सुन करूंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मेरा काम हो रहा है इसलिए मैं हैप्पी हूँ, मेरा काम हो गया मोस्टली। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी क्वाड्रेटिक आती है तो वो मन में चला सकता है सर का काम हो गया है, और दो दिन चार दिन पहले किसी ने मेरे साथ डीपी भी डिस्कस करी थी तो मेरा काम तो हो गया है। हाँ मेरा काम तो हो गया है, आप लोग की मदद भी नहीं चाहिए मुझे अब तो, आई डोंट नीड योर हेल्प। आप सोचो जरा कैसे बोल रहा हूँ मैं भाई, 82 क्यूब माइनस 4 के 83 क्यूब माइनस 4 के, अरे हाँ, और नीचे में क्या है ए टी वन टी टू टी थ्री, ये तो डुएबल है ना बॉस? हाँ सर, अभी ये जो क्यूबिक है डायरेक्ट पुट कर देंगे। हाँ इसको मैं लीनियर में रिप्लेस करूं तो अब मेरा क्या आएगा, ए पावर 4। बोलो भाई, इतने खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं ना लोनी में ना, आंसू आ जाते हैं कई बार, सच कह रहा हूँ। ओफ ओफ, माइनस टू एच माइनस टी प्लस के माइनस फोर के, है ना भाई? तो ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट मार दो यार, इतना कौन लिखेगा, चमकता है ना ये, क्या लिखा है ये, माइनस साइन भी भाड़ में गई, माइनस टू एच माइनस टी, बोलो भाई क्लियर है क्या, माइनस थ्री के। हाँ है ना, तो भैया तो अगर ये क्या था यहाँ पे, टू ए माइनस एच था ना, उसको हमने बाहर निकाल लिया, टू ए माइनस एच का होल क्यूब, चमकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू ए माइनस एच का, अरे ऐसा ही लिखा है ना बॉस, एच माइनस टू ए आएगा, आपने टू ए माइनस एच को बाहर निकाला ना। हाँ एच माइनस टू आएगा, हाँ ठीक है, जो भी है यार वो देख ले यार, यही ऐसा ही आएगा ना कुछ तो। और यहाँ पे क्या है, टी वन माइनस दिस, फिर सेम चीज किसमें आएगी, टी टू माइनस दिस है। अब इस इक्वेशन को तुमको लिखने आता है, एक्स माइनस टी वन एक्स माइनस टी टू, लिखने नहीं आता क्या ये? अरे क्यूबिक को ऐसा लिखने आता है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। हाँ सर, अरे हाँ या ना, है ना। तो अभी ये डाल दो वैल्यू एक्स की जगह, एक्स की जगह ये वैल्यू डाल दोगे ना इसमें, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ। अब तुम कहोगे सर यहाँ डालना बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो जैसे आपको सिखाया था ना उस दिन वैसे डाल दो, नहीं तो खोलेंगे तो T1 plus T2 plus T3 के टर्म वाले को तो जीरो ही बनना पड़ेगा,
तो वो तो हट ही आएगा जो भी है, ऐसे कर लेना है आपस से, खोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कर सकते हो, सीधा पुट कर दो, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अरे बात चमकती है क्या? अरे बहुत सिंपल है, 3H3K-H-2 जब आप पुट करोगे ना यार, चीजें कट गई ना, ये और ये कट रहा है, चमक रहा है क्या, ये और ये कट जाएगा, बस एक क्यूबिक का टर्म बचेगा, क्लियर है क्या? तक करके आंसर देख लेना, गुड क्वेश्चन अगेन फॉर IIT, क्यों अच्छा है, क्वेश्चन में डिटरमिनेंट यूज हो गया, क्वेश्चन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज हो गया, क्वेश्चन में कॉनिक्स यूज हो गया, तीन कंसेप्ट यूज हुए, ये बात चमकती है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, अरे क्लियर है ना भाई? हाँ सर। अच्छा इसको भाई जैसे खोलने से क्या बन रहा था सर? वो पूरी क्यूबिक को ना, सॉरी हाँ। तो उसको खोल के है। अच्छा वो गंदा बन, गंदा बन रहा था क्या? फिर वापस कॉमन लेने जाएंगे, वही होता है वापस सेम, वही फैक्ट आ जाता है। ठीक है नेक्स्ट बोलो। सर नाइन्थ वाला भी, ये तो किया था ना, ये तो सेम क्वेश्चन किया था ना उस दिन, बताओ किस दिन ग्रुप पे डाला था, नाइन्थ वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ग्रुप पे डाला था, सेंटर एक्स इक्वल माइनस नॉर्मल्स का, नॉर्मल्स का ऑर्थो सेंटर और टेंजेंट वाला ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे ग्रुप पे डाला हुआ है क्वेश्चन, ग्रुप पे सॉल्व कर डाला था, डिस्कस करते हैं एग्जांपल 27, उसमें सेम क्वेश्चन था, ध्यान आया क्या? मैंने खुद डाला था सॉल्व करके, मैंने पूछा नेक्स्ट क्लास में पूछा भी था कि चमका कैसे सॉल्व करते हैं, सिमेट्री आर्गुमेंट्स में लिखा था, देख लो ऊपर नोट्स में। नेक्स्ट बोलो। सर 10th वाला भी है, इफ ओपी ओक्यू मीट्स द सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हो गया ना, बहुत सिंपल है, तो एटी क्यूब प्लस 2A-H into t minus k equal to 0, कितने रूट्स हैं इसके? है ना, क्या बोल रहा है, दो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अल्फा है तो क्या है 90 माइनस अल्फा, मतलब m1 क्या है 1 है, मतलब t1 t2 कितना है 1 हो गया ना, हाँ, इसका मतलब t3 कितना आ गया, t1 t2 t3 कितना है, k by a है ना, ये 1 हो गया, तो T3 का वैल्यू कितना आ गया? K by A. डाल दो इसमें T3 का वैल्यू। सर पर एक मिनट, सॉरी, मैं सॉल्व क्या किया हूँ? R का पैरामीटर किया। R क्या है? P क्या सर? P क्या है? R क्या है? R ही वही T3 है। ये O है। एक मिनट को यार, मैं ध्यान ही नहीं दिया क्या कर रहा था, ये T1 है, T2 है और ये T3 है, ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन कि इन दोनों के क्वाड्रेटिक ने इन दोनों के ने बनाया, हाँ ठीक है सॉरी, तो इसके OP और OQ T1 T2 -1, वो यूज कर लिया मैंने, तो T3 K/A आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो टेंजेंट होता है आर पे, उसकी क्वेश्चन क्या होती है, T3Y = x + a T3² ये होता है टेंजेंट, हाँ है ना, तो अभी T3 का वैल्यू कितना आ गया, K/A आ गया है, K/A = x + 8K²/A² आ गया, ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, A/K आ गया है ना, हाँ कुछ तो हो जा रहा है, अभी SO क्या है, S क्या है, फोकस है, फोकस है, तो यहाँ का स्लोप चाहिए, ये A,0 है और ये H,K है, इस लाइन का स्लोप कितना है, K/H-A, K/H-A, सेम थोड़ी ना है, नहीं सर, अब H,K को K की टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो सेम आ जाएगा, H को तो K के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, H,K के टर्म्स में लिखेंगे कैसे सर, हमको निकालना पड़ेगा लोकस, जो ऊपर आपने T3 को इक्वेशन में डालना पड़ेगा पहले, वो m1 m2 प्लस m2 m3 करके निकालेंगे तो t का कोई भी आ सकता है ना, m हाँ t1 t2
प्लस टी टू टी थ्री प्लस टी थ्री टी वन इज इक्वल टू टू ए माइनस एच। टी वन टी टू तो वन हो गया और वन प्लस टी टू को बाहर निकाल, टी थ्री बाहर निकाल लिया तो टी वन प्लस टी माइनस टी थ्री, टी वन प्लस टी टू माइनस टी थ्री आ गया और ये तुम्हारा आ जाएगा वन माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए माइनस एच आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस एच। ये क्लियर है? तो अब इसको इसमें डाल दिया अगर ए बाई एच माइनस ए माइनस, डायमेंशन ही गलत हो गया कुछ तो यहाँ पे, नहीं सर आता है ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर बाई स्क्वायर है। हाँ तो ये कटना चाहिए था ना, डायमेंशन ही गलत हुआ है ना कुछ तो मेरा। सर 2a माइनस h बाई a आएगा ना। हाँ वही डायमेंशन गलत था ना यार, यहाँ पे तो यहाँ पे डायमेंशन जीरो था, यहाँ पे डायमेंशन वन था। तो ठीक है, तो 2a माइनस h बाई a है ना। अरे यार ये क्या पागलपन है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको चमक गया ना, मैं तो नहीं, मैं कुछ गलती कर तो रहा हूँ। ये a स्क्वायर कर दिया, ये a कर दिया, ये ए स्क्वायर ए एच कर दिया और फिर मैंने मचा दिया। आई डोंट नो, ठीक है ठीक है, जिसको अभी डाउट है चमक गया कैसे करना है। हाँ सर मैं करूंगी आगे तक, हो जाएगा ना, क्लियर है ना। नहीं सर हो जाएगा, मैं कुछ तो यहाँ पे गलती, अभी तक सही है यहाँ पे, टू है टू है सर, एच का वैल्यू वन प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कि वहाँ पे माइनस टू आएगा ना। हाँ पता नहीं मैं टू कहाँ चला गया, मैं फालतू कुछ मैं गलती कर दी है, मेरे को मन ही नहीं कर रहा हटने का यहाँ से, कैसे कैसे हो रहा है। हाँ 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 ये कट गया, हाँ अभी वैल्यू आ गई, ठीक है सही है। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो, क्या हो गया, आगे नहीं की हो क्या? हो गया किया है सर। बोलो 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 बोलो, इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टींथ सर मैंने बस 15 तक ही किया है। आवाज पहचान, कौन बोल रहे? आदित्य सर। आदित्य 15 तक किया है, ठीक है। कहाँ तक दिया था मैंने इसको एक्सरसाइज को? 20 तक दिया था सर। 20 तक दिया है, चलो खत्म कर लो एक बार नेक्स्ट क्लास में। 15 से लेके 30 तक खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल 31 का 1 2, एग्जाम्पल 31 का 1 और 2 और 6, वन टू सिक्स बोल लो। नहीं भाई नहीं, 1 2 6 ही काफी है फालतू में। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सर? बाकी करने ही नहीं। हाँ, सर 31 बाकी मत करो, वो सब बहुत सारी चीजें मिक्स है, वो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला वगैरह भी रूट एफ रूट एक्स पाई वाई वाले हैं। जब किसी भी टेंजेंट को अपन जब एक्सिस के बीच में एंगल 90 से चेंज जाता है तो फिर उस वाले फॉर्म के भी हैं। पूरा माहौल ही पैराबोला में हो गया यार, मैं तो यही बोल गया हम पहले सब हाइपरबोला में कहाँ थे, क्या कर रहे थे उसमें, क्या क्या लिखवाया है बताओ, मैं क्या क्या पढ़ा दिया है। क्वाड तक तो हो गया था, उसमें तो टेंजेंट सबका इक्वेशन लिखे थे। टेंजेंट में सर हो गया सर्कल और इलिप्स वगैरह कट करते हैं वही बताया था। अच्छा वो भी करा दिया। हाँ ओके, क्वेश्चन ही करने होंगे ना उसमें, तो थोड़े बहुत मैं एक दो चीज दिखाया था तुमको पहले, एक और पार्ट कर लेते हैं। और उसमें ये वाला डायरेक्टर सर्कल पढ़ाया क्या? हाँ
आपने दिया था सर तीनों का। हाँ तीनों का आपने बताया प्रूफ, मतलब थीटा बताया था कैसे। हाँ पढ़ाया था भाई, पढ़ाया था। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। काम करते हैं, दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस से ही अभी तो उसका काम खत्म ही हो गया ना, अभी तो मतलब उसमें आपको एक्सरसाइज ही दूंगा मैं, और क्या। तो दो तीन क्वेश्चन करते हैं और डिस्टेंसेस लिखते हैं, एसिम्प्टोट कर लेते हैं ना, एसिम्प्टोट विल बी इंटरेस्टिंग ना। ठीक है, क्वेश्चन एक लिखो पहले। प्रूव दैट इन एन एलिप्स, प्रूव दैट इन एन एलिप्स, प्रूव दैट इन एन एलिप्स, प्रूव दैट इन एन एलिप्स। वो कॉर्ड लिखना सिखा दिया ना एलिप्स में तो। हाँ सर बताए। हाँ, प्रूव दैट इन एन एलिप्स अगर टी पे टेंजेंट, अगर पी पे टेंजेंट बनाए, अगर P पे टेंजेंट बनाए तो नॉर्मल एट P बाइसेक्ट्स द एंगल S1 P S2। ठीक है, हेंस हेंस एनी लाइट, any ray of light through S2 hitting the tangent at P after reflection from tangent as mirror will pass through S1. S1. समझे क्या? आपको S1 P S2 angle को bisect कर रहा है normal, और then any light from S2, any ray from S2, if hits the mirror at P, then it will after reflection pass through S1. S1. अरे हाँ, हेलो। हाँ सर। ठीक है, दूसरा लिखो। If on any tangent perpendiculars from focus of ellipse be drawn, if on any tangent perpendiculars from focus of ellipse or hyperbola be drawn, perpendiculars from hyperbola ellipse be drawn, then P1 P2 is equals to B square, then P1 P2 is equals to B square, perpendiculars from ellipse or hyperbola na? नहीं नहीं एक ऑन एन एनी टेंजेंट इफ परपेंडिकुलर्स, लेट परपेंडिकुलर्स बी ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन द टेंजेंट। ठीक है, देन P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नहीं समझा? देन समझा सर। देन P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जब स्ट्रेट लाइन कर रहे थे तो हमने ये क्वेश्चन किया था। अरे बोलो। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन लिखो। इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी, इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी मीट्स द मेजर एंड माइनर एक्सिस इन कैपिटल जी एंड स्मॉल सी, if normal at any point P meets the major and minor axis in capital G and small g, and CF be the perpendicular upon this normal, and CF be the perpendicular upon this normal, where C is the center, where C is the center, find PF into PG, PF into PG, PF into अच्छा एक बार रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। PF
यहाँ एक नॉर्मल है बनाया, ये क्या है जी है, ये क्या है स्मॉल जी है, ठीक है, और ये सी है, और ये क्या है सी एफ है, क्लियर है। अभी क्या करना है पी एफ इंटू पी जी, पी एफ इंटू पी जी, चमकता है आंसर। अरे क्लियर है ना, हमने एलिप्स के लिए डायमीटर का इक्वेशन निकाला था ना। हाँ सर, मैं जल्दी एक तीन क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। एक फोर्थ क्वेश्चन में लिखी लो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड विच इज नॉर्मल टू हाइपरबोला। Which is normal to hyperbola? अरे ठीक है, हाँ बोलो भाई। हाँ सर, सिक्स्थ लिख लो, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दो कॉनिक्स में कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, दो कॉनिक्स में कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, आ गई। अरे एक लाइन मानते हैं ना, y इक्वल टू mx प्लस c, एक का नॉर्मल टेंजेंट बनाते हैं और दूसरे का मतलब पुट कर देते हैं उसमें। हाँ, जो भी स्टैंडर्ड वाला रहता है उसको तो याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से स्टैंडर्ड कौन सा याद है हमको, ये वाला याद है ना, तो उसका टेंजेंट लिख लेंगे और इस वाले का और उस लाइन को इससे टेंजेंट। अरे चमक, अरे सिंपल सी बात है, बेसिक तरीका क्या है, लेट द टेंजेंट बी y इक्वल टू mx प्लस c, ओके, दोनों कर्व को बनाओ टेंजेंट, सी का वैल्यू आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अरे ध्यान आया कि नहीं आया। हाँ सर। अबे यार किए थे ना पैराबोला में क्वेश्चन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by में कॉमन टेंजेंट, क्लियर है क्या? क्या हो गया, चार से लोग गायब क्यों हो गए, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? हेलो। हाँ सर, समझा सर। क्या हो गया, सॉल्व करो फिर, चलो। हाँ हेलो,
अरे हेलो, कुछ पढ़ा दूं क्या? आगे नहीं करना है क्वेश्चन क्या? सर कर रहे हैं सर, सॉल्व जो है ना, जो है ना पहला ही क्वेश्चन अच्छा है। तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइज करो, जो जो बनता है फटाफट बनाओ। पहला क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, बाकी सिंपल है। उसमें सर वो m माइनस m1 बाय ln प्लस m1 बाय, उससे ही करना है ना? क्या 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 नहीं, मर जाओगे उससे, मर जाओगे सर। मैंने वैसे किया, ps1 अपॉन ps2 इक्वल्स ts1 अपॉन ts2। हाँ, एंगल बाय सेटर थ्योरम लगा, एंगल बाय सेटर थ्योरम। अगर ये बाइसेक्टर है, याद है ना अपन ने क्वेश्चन क्या होता है ऐसा, इन सेंटर या किसका लोकस निकाला था अपन ने, किसी तो क्वेश्चन में किया था ना अपन ने कुछ दिन पहले यार, बाइसेक्टर लगाया था ना अपन ने, एक में तो साइन रूल लगाया था और एक में कुछ ऐसा ही किया था, जो भी है। तो ये और ये अगर है, ये और ये अगर एंगल बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है, तो क्या होता है? हाँ हाँ, वो बराबर, समझा। बाय दिस दिस बाय दिस, हाँ हाँ, करो जरा, दे रहा हूं 15 मिनट, सॉल्व करो।
हाँ भाई कुछ प्रोग्रेस हुआ? हेलो सर, कौन सा बना रहे हो? थर्ड वाला। टू प्रूव अल्फा इक्वल टू बीटा करना है ना, तो पी एस वन क्या ले लें, पॉइंट एलिप्स है ना, क्या ले लें बोलो, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है बोलिए, माइनस ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा जीरो, और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट किससे बन रहा है, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो टेंजेंट क्या होता है, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू वन होता है। सो ए एक्स एक्स थीटा माइनस बी वाई कोस एक्स थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा, वाई जीरो, और एक्स कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा कॉमा जीरो आ गया ना ये पॉइंट, ये बात चमकती है क्या? तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा जीरो, बोलो भाई क्लियर है ना, ये जी आ गया, ठीक है। अभी पी एस वन बाई पी एस टू कितना होगा, पी एस वन क्या होगा, पी एस वन क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस ए बाई ई, और पी एस टू कितना होगा, चमक रहा है मैं कैसे लिखा है, मैं ए बाई ई माइनस ए चमका मैंने कैसे लिखा है ना, तो ए कट जाएगा, क्या आ गया, ई कॉस थीटा प्लस वन बाई वन माइनस ई कॉस थीटा, क्लियर है। दिस इज वॉट बाहर पी एस वन ना, क्या पी एस वन आपने लिखा तो ई इंटू ब्रैकेट ऑफ ए कॉस थीटा प्लस ए बाई कट गया ना, अरे ई तो कट गया ना यार। हाँ हाँ सर समझो, ठीक है। और जी एस वन बाई जी एस टू बताओ कितना है, जी एस वन कितना होगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए ई, और जी एस टू कितना होगा, ए ई माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर है। आपका ए ए ए ए कट गया, ई ई ई ई कट गया, कितना आ गया बोलो, ई कॉस थीटा प्लस वन बाई वन माइनस ई कॉस थीटा, बोलिए क्लियर है क्या, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अबे बराबर हो गया, हाँ हाँ, ये और ये क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है ना। अब आते हैं जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्या था, देखो जो मैंने इसे बताया, क्या बोला मैंने कि अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर वो मिरर हो जाए, मिरर हो जाए, मिरर मतलब मिरर, और यहाँ से लाइट आई है अगर S2 से और यहाँ पे हिट करी है तो ऑब्वियसली यहाँ से पास करेगी, क्यों, टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यही तो होता है ना लाइट की प्रॉपर्टी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मालूम है ना ये। हाँ सर। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है कि मिरर को लाइट आके हिट करता है तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बराबर बराबर करती है ना, इसका मतलब एक फोकस से लाइट गई अगर दूसरे फोकस से पास कर रही है, ये बात चमकती है। अरे हेलो, तो अगर यहां से मान लो लाइट आई यहां से रिफ्लेक्ट करी, अब कहां से पास करेगी, लाइट आई है, ये लाइट जो आई है यहां से वापस रिफ्लेक्ट करेगी, कहां से पास करेगी, S2 से, ये बात चमकती है क्या। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर। तो पहली बार में तो जेई में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, अरे कुछ भी चमक रहा है क्या, या इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का लोकस, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना हर बार, लॉजिक क्लियर है क्वेश्चन का। हाँ सर। यू शुड रिपीट दिस क्वेश्चन, रिपीट फॉर हाइपर बोलो, ठीक है कॉपी करो चलो। सर ऐसा एरिया या फिर पेरिमीटर सब पूछा तो फिर बेसिक से मतलब पॉइंट से करेंगे ना। ऑब्वियसली सर, साइड प्लीज।
सर वो आपने अल्फा इक्वल टू बीटा कैसे बताया? अरे प्रॉपर्टी होती है ना ट्राइंगल में, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ से अगर ये एंगल बाई सेक्टर होता है तो क्या होता है, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी होता है ना, प्रॉपर्टी होती है। सर आए बी टी ना? हाँ अरे हुआ क्या, कॉपी कर लिए? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये फीवर है क्या? टेंजेंट्स के लेंथ का प्रोडक्ट बी स्क्वायर। टेंजेंट्स का लेंथ नहीं है? हाँ सर, परपेंडिकुलर्स के। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? मैं लिप्स में ही कर दे रहा हूं। कोई भी फर्स्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उनका प्रोडक्ट लेंथ का। हां तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? x cos थीटा / a, जो कोई नया कोई ऑपरेशन नहीं बनने वाला है, ठीक है? तो p1 p2 करना है तो p1 कितना आएगा बताओ? e cos थीटा -1 / cos स्क्वायर थीटा / a स्क्वायर + sin स्क्वायर थीटा / b स्क्वायर। ये क्लियर है? हमारा P2 कितना आएगा? E cos theta plus E cos theta minus 1 तो plus हो जाएगा और नीचे में cos square theta plus sin square theta by A square into B square। clear है? अभी हाँ, P1 P2 निकाल लो कितना आता है? E square cos square theta minus 1 by B square cos square theta plus A square sin square theta into A square B square, ठीक है? और E square हाँ. की value कितनी होती है? e स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। हां स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू a स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये कट गया? ये कटता हुआ क्यों दिख रहा मुझे? हां कट गया ना, ये भी कट गया। ये बात चमकती है क्या? आ गया अरे क्लियर है क्या ये? हाँ सर। कॉपी करो। हाँ बेटा बोलो ना।
सर वो x स्क्वायर का वैल्यू कहां से लिखा a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर होता है ना अच्छा कॉपी कर लिए हां सर थर्ड क्वेश्चन क्या था एक नॉर्मल पे मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है मेजर और माइनर एक्सिस को तो सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर डाला तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर एफ है तो पीएफ इनटू पीजी निकालना था तो एक कर लेते कैसे पीएफ इनटू पीजी कैपिटल जी और पीएफ इनटू पीएफ इनटू पीजी ठीक है तो स्मार्ट तरीका क्या होगा पीएफ निकालने का पाइथागोरस इज वन तरीका नॉट रॉन्ग पैरामेट्रिक से पीएफ कैसे निकालोगे ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर सकते हो पीएफ टेंजेंट के सीएफ का टेंजेंट के पैरेलल है हाँ तो पीएफ क्या होगा बताओ पीएफ क्या होगा इस फिगर से पीएफ क्या होगा टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट यही होगा ना सीटी इक्वल टू पी एफ है ना भाई तो सीटी निकालना आसान है ना बहुत पी एफ तो सीटी क्या होगा बताओ टेंजेंट की इक्वेशन एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा वाई बी इक्वल टू वन ड्रॉप करो ओरिजिन से परपेंडिकुलर कितना आता है वन बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू ए बी है ना अभी पीजी क्या होगा पीजी कैसे निकाले पीजी में तो तरीका दिख नहीं रहा मुझे शॉर्टकट पीजी में तो मुझे कुछ भी नहीं पीजी कैसे पीजी तो कुछ नहीं ना कैन वी गेट सम इंटेलिजेंट वे टू फाइंड पीजी आई डोंट थिंक सो सर इक्वेशन के भी छोटा ही हाँ तो नॉर्मल लिखते हैं नॉर्मल क्या होगा टेंजेंट लिखेंगे टेंजेंट लिखी दिया एक बार नॉर्मल क्या होगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा कॉमा जीरो डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से पीजी कितना आएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलो भाई ए और ए तो कट जाएगा इससे है ना कितना आ जाएगा b पावर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अरे कोई हेल्प तो करो है ना और यहां से क्या आ जाएगा यहां से b बाहर आ जाएगा अरे क्लियर है ना अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा a और ये कट जाएगा क्या बचेगा अरे ये क्लियर है कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस वाले हैं ट्राई करते हैं कि कुछ रेक्टेंगल रेक्टेंगल कंप्लीट करके डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाए और नहीं होता है तो फिर फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूले से किया जा सकता है इतना क्लियर है क्या हाँ सर अब यह क्लियर है ना चलो नेक्स्ट करो बताइए क्या बोलो मतलब क्या किया आपने क्या किया पीएफ क्या होगा पीएफ ये डिस्टेंस है ना तो मैंने क्या किया इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर लिया जो पीएफ है वही सीटी है तो मैंने सीटी और पीएफ सेम हो गया अब सीटी क्या है सेंटर से टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो मैंने टेंजेंट लिखा और उस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख दिया ए बी बाई अंडर रूट ए ये चमकता है हाँ सर ठीक है अभी मैंने नॉर्मल लिखा नॉर्मल को मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ से ये पॉइंट आ गया और पीजी निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूले से बस ठीक है सर नेक्स्ट बोलो कितने क्वेश्चन बचे और अरे और कितने क्वेश्चन बचे एक ही बचा दो क्वेश्चन और बचे दो बचे दो है सर करो जरा दो कौन कौन से बताना जरा
एक लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड व्हिच इज नॉर्मल टू हाइपरबोला, यस, कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू, चलो वो दोनों सॉल्व होने चाहिए, अब वो दोनों सॉल्व होने चाहिए, वो सॉल्व करो, फिर आप भी एसिम्प्टोट करके ये कोनिस का काम खत्म करते हैं। अभी एलिप्स और हाइपरबोला में क्या करेंगे ना, एक एक्सरसाइज एलिप्स का है, एक एक्सरसाइज हाइपरबोला का, ऐसे करेंगे, या 20 क्वेश्चन उसके 20 क्वेश्चन उसके, ऐसे क्या हो रहा है ना, एक ही टॉपिक एकदम दिमाग में भर जा रहा है। अरे रब करें क्या, ठीक है, रब तो करना ही पड़ेगा, रब कर रहा हूँ। फोर्थ वाला हो गया, बताओ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड नॉर्मल टू हाइपरबोला। अच्छा हाइपरबोला है, तो हो ही गया होगा ना, नहीं हुआ है क्या, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए ना, कैसे करेंगे बताओ तो। T is equal to S1 लिखके उसका इक्वेशन लिखेंगे और वही उसका नॉर्मल भी है ना, तो कंपेयर करेंगे। हाँ, फिर कंपेयर कर, फिर करो ना फटाफट। तो T equal to S1 लिखो, क्या होगा, सुबह ही बताया ना, इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, xx1 by a square minus yy1 by b square equal to x1 square by a square minus y1 square by b square, बोलो हाँ या ना, और नॉर्मल क्या होगा हाइपरबोला के लिए, टेंजेंट मालूम है ना, x x थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू 1, तो ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो भाई, अरे क्लियर है, तो यहां से आप cos निकाल लो, cot निकाल लो, है ना, जब आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा बोलो, x1 by a क्यूब cos थीटा, उसको आप sec लिखा करो, हमेशा हाइपरबोला में sec लिखा करो, ठीक है, माइनस y1 by b क्यूब, cot मत लिखो tan लिखो, क्यों बोल रहा हूं मैं इसको ऐसे लिखने को, मैं sec और tan पे क्यों लड़ रहा हूं बताओ, क्योंकि वो पैरामेट्रिक पॉइंट्स भी है, नहीं नहीं एलिमिनेट करने में आसानी होगी ना, मुझे एलिमिनेट करने में आसानी होगी ना, कैसे आसानी होगी बताओ, अरे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है यार, मान होगा, तो ये बताना पड़ रहा है क्या सर, नहीं मगर फायदा क्या हुआ, उससे भी तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुआ, कहां cos sin आ रहा है, यहां पे cos है और यहां पे cot है, ये cot है, अच्छा अच्छा हां समझा समझा, आप क्या बोल रहे, नेक्स्ट सवाल तो कर दो,
जूनागढ़ क्लास में आंसर देना सीखो सर। नेक्स्ट वाले का स्लोप आ गया, बस हो गया काम, हो गया जी, स्लोप ही तो होता है। कैसे किया नेक्स्ट वाला बताओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है ना, तो इसके लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और सी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और दूसरी क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर बाई क्या लिखा था बी स्क्वायर, नहीं क्या लिखा था बोलो, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हाँ y square by a square equals minus one. Minus one लिखा था कि plus one लिखा था? Sir आगे sign change किया इसलिए मैंने minus one बोला। Sir actually y square by a square minus x square by b square equal to one दिया था। अच्छा तो ये था ना? हाँ। है ना? हम तो पढ़ चुके हैं कि हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपना। मानते हैं ना हमने decide किया था दिमाग नहीं लगाएंगे अपना। ये आ गया ना? जो अलजेब्रा यहाँ लगाई है वही अलजेब्रा यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो माइनस बी स्क्वायर एम, अरे चमक रहा है मेरा तरीका क्या है, और यहाँ पे बी स्क्वायर जो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, चमका क्या अलजेब्रिकली मैंने सॉल्व कर दिया ना इसको। हाँ सर, अरे आपको समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने माइनस वन को नीचे भेज दिया, माइनस बी स्क्वायर क्या है यहाँ का ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर, वही आएगा ना अलजेब्रिकली, आई हैव ट्रीटेड द सेकंड कर्व अलजेब्रिकली, क्लियर नहीं क्लियर है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे हाँ तो क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ रहा है क्या एम का वैल्यू प्लस माइनस होना आ रहा है क्या, नहीं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, मेरा तो यही आया बाकी लोग को किए है क्या, क्या भाई ओमकाज नगड़े नहीं हो क्लास में, हो कुछ तो बोलोगे सर तो बताओगे, नहीं पढ़ना तो बोलो यार बंद करते हैं क्लास यार, मेरे ख्याल से मैंने गलत नहीं किया होगा, कोई तो कंफर्म करो मेरा आंसर, आई कांट बी रॉन्ग, क्या हो गया सब लोग अचानक चुप हो जाते हैं अचानक सबके बैच में, रुद्र रुद्र कहाँ चले गए सब अचानक से, मेरा सही है इब्राहिम रुद्र रजत कोई नहीं बोल रहा सब चुप हो गया, हाँ सर दो मिनट सर, अप्लाई दिस तरीका ना व्हाट इज रॉन्ग इन दिस तरीका एवरीथिंग इज करेक्ट आई माय आंसर इज राइट, क्या वो ओमकार नहीं आता है कौन हाइपरबोला में दिक्कत होता है सर, वो मतलब उल्टा करने में फिर इसमें सिंपलीफाई करने में, एक काम करेंगे ना पहले हाइपरबोला ही करेंगे एलिप्स नहीं करेंगे, पहले हाइपरबोला करेंगे, क्या दिक्कत है आपको ये सोचो, हाँ सर बराबर है सर, अरे बेटा आपको इसका आता है ना सर, बराबर है यही आ रहे सी स्क्वायर ये मानते हो ना ओमकार, ये हाँ या ना बोलो, हाँ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है, दूसरी क्वेश्चन क्या दी थी मैंने आपको वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन दिया था, हाँ तो मैं क्या किया एक्स स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ये मैं कर सकता हूँ, हाँ हाँ है ना, अब मैं जितना तुम उसमें कंपैरिजन करके क्वाड पैराबोला में सोचते हो एक बार दो दस मिनट सोचते ना बैठ के, तुमने कितना अच्छा दिन बताया था टी वन वाई प्लस टी टू दोनों टेंजेंट है तो एक क्वाड्रेटिक एज्यूम कर लो आप उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख सकते हो, बस दस मिनट शांत होकर सोचो ना, मैं चाहूँ तो मैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें डाल के डी जीरो कर सकता हूँ, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, कैसे मैंने एलजेब्रिकली ये इक्वेशन लिख दिया, एलजेब्रिकली लिखने में गलत है क्या, अगर इससे इसको कंपेयर करेंगे तो एलजेब्रिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बताओ, इसका ए, इसका जो ए स्क्वायर है वो क्या है सो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो बी स्क्वायर है वो क्या है माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें जो कंडीशन आई है वो इसके लिए आई है ना, तो ए स्क्वायर की जगह मैं के डाल दूं तो यहां पे आएगा, तो ए स्क्वायर की जगह मैं माइनस बी स्क्वायर डाल दूं, ए स्क्वायर की जगह मैं माइनस बी स्क्वायर डाल दूं तो गलत थोड़ी ना है, और बी स्क्वायर की जगह क्या डालना पड़ेगा मुझे माइनस ए स्क्वायर, ये बात चमकती है, अभी ये और ये बराबर कर देंगे
ये क्या नाम है मुदासिम, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आप चाहो तो डी इक्वल टू जीरो से भी कर सकते हो हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज प्रेफरेबल कि आप मत करो, इससे लंबा जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ क्लियर है ना? नेक्स्ट लिखो, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। सर एक सेकेंड, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। सर साइड प्लीज। आप लोगों को एक दिन बीच में एसिम्प्टोट पढ़ाया था ना, ये ओडी वाला नहीं पढ़ाया था, किसी और बैच में पढ़ाया था क्या? मुझे याद आ रहा है आपके बैच में बात हुई थी एसिम्प्टोट निकालने की, तो मैं दिखा देते हैं, मैंने सॉल्व कर दिखाया था कि एसिम्प्टोट की, नहीं दिखाया था, क्या हुआ था? नहीं सर नहीं दिखाया। नहीं सर आपने एसिम्प्टोट नहीं दिया। याद नहीं आ रहा मुझे यार, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने कहा था ऐसे, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवाने वाले पर फिर नहीं करा। ओके अभी कैसे है ना, कोई कुछ जो वैसे 12th वाले बच्चे बोले, जो अभी अभी जो इस बार 12th में, वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने कोएफिशिएंट में काउंटिंग कराई नहीं है, अब बिना और उनकी शीट पूरी डिस्कस है पीएनसी की, बिना कोएफिशिएंट मेथड ऑफ काउंटिंग के पीएनसी की सी डिस्कस कैसे हुई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार। सर अजीब सही है सर, आपने हमें भी पीएनसी में डी अरेंजमेंट नहीं पढ़ाया है। तुम्हारा याद है भाई, कभी एसिम्प्टोट में करा देंगे। ठीक है लिख लिया सर, लिख लिया ना। तो आप 12th वालों को डमी वेरिएबल वाला पढ़ाएंगे तो वो डीपीपी क्लास में ही पढ़ा है। हाँ क्या कहो, तो बोल रहे हैं पढ़ाया नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर सी डिस्कस कैसे हुई उनकी पीएनसी की। ठीक है, टू फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ अ हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए पढ़ाया कि आपको कैसे पढ़ाऊं, पूरा ही पढ़ा दूं क्या एसिम्प्टोट? लिखो ना, एक काम करते हैं एसिम्प्टोट ही पढ़ लेते हैं ना यार, 15 मिनट का काम है, एक बार में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स ठीक है, अलाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज सेड टू बी एसिम्प्टोट टू हाई टू कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स इफ y equal to mx plus c touches the curve at infinity, that is at infinity distance between two curves tends to जीरो। ये क्लियर है क्या? ठीक है, सो नाउ द कैलकुलेशन पार्ट इज कि एम एक्स प्लस सी माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो। यू नीड टू कैलकुलेट M and C। यहाँ तक क्लियर है? सर अपने वो y is equal to mx plus c के आगे क्या बताएं? A line y equal to mx plus c is said to be asymptote to the curve y equal to fx if y equal to mx plus c touches the curve at infinity, that is at infinity the distance between two curves tends to zero. अब सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हो, e की पावर x है तो यहाँ पर ये जगह टच कर रहा है, एसिम्प्टोटिकल बिहेवियर है। अगर आप टेन एस का कर्व देखो तो ये चीज इन्फिनिटी के बिल्कुल करीब होती जा रही है, तो ये एसिम्प्टोट है, एसिम्प्टोट है। ये बात चमकती है? हाँ सर।
कॉपी करिए। मैं क्या कह रहा हूं कि पैराबोला कर लिया, कर रहे हैं ना अपन, ठीक है, उसके अंदर अपन एलिप्स नहीं करते, पहले हाइपरबोला कर लेते, क्या कहते हो? हाँ सर, अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हाइपरबोला में एक इनर्शिया रहता है सबके मन में कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, पहले हाइपरबोला ही कर लेते हैं। सर आप दोनों का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दे दोगे तो फिर दोनों मतलब ये रहेगा ना, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है अब तो करो, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर, एक सेकंड। भाई रब करें। हाँ सर, ठीक है। तो दो तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं, एक होता है, एसिम्प्टोट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट और एक होता है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, ठीक है। नाउ डेफिनेशन कैसी है, इफ फॉर सम एक्स टेंड्स टू ए, इफ फॉर सम एक्स टेंड्स टू ए fx tends to infinity plus minus infinity, then x equal to a is vertical asymptote. ये चमका क्या? हाँ सर। एग्जाम्पल क्या होगा? tan pi by 10x, है ना, x equal to pi by 2 is vertical asymptote, clear है? इसके लिए for y equal to 10x, अगर y इक्वल टू लेट से अपन ये ले लेते हैं y इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1, दिख रहा है क्या हो जाएगा बोलो? x इक्वल टू 1 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। आप यही करते तो आए हो इतने दिन से, तो दिक्कत क्या है? x माइनस 1 की बात हो रही है ना, ऐसा है ना कर्व, तो है ना ये लाइन जो है क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। थिंग इज विद द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, इंक्लाइन एसिम्प्टोट मतलब, ठीक है, अब इंक्लाइन एसिम्प्टोट मतलब होता है कि इंक्लाइन एसिम्प्टोट मतलब जो वर्टिकल नहीं है वो इंक्लाइंड है। कैसे निकालते हैं, देखो इक्वेशन क्या है, डेफिनेशन वाली, लिमिट एक्स चेंज टू क्या है इन्फिनिटी प्लस माइनस, दोनों निकालना पड़ता है, मैं दिखा रहा हूं, एम एक्स प्लस सी एफ एक्स माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। अरे हाँ यार, यही है ना सर, mx plus c minus f of x, क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता ना, डिफरेंस ही है ना, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो fx अगर ये लिमिट जीरो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब यही हुआ इज इक्वल टू mx, अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो दोनों साइड x से डिवाइड कर देते हैं, तो fx by x लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, c का लिमिट जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, fx by x इज m, अरे हाँ या ना। नाउ आप c कैसे इवैल्यूएट करते हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, बोलो भाई आपके पास m आ गया ना, mx माइनस mx करके आप क्या निकाल लोगे, c निकाल लोगे, ये बात चमकती है। ये आपने किस पे किया है, प्लस इनफिनिटी पे, आप रिपीट किस पे करोगे, नेगेटिव इनफिनिटी, ये चीज क्लियर है क्या सर? ये वाला तो मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जैसा है ना, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है ना, हॉरिजॉन्टल कैसे है, m की वैल्यू जीरो है क्या हमेशा? हाँ ठीक है, हाँ अरे बोलो, इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, सर एक मिनट, हाँ मैं अब नहीं कर रहा हूं, तो इस वाले कर्व का जरा एसिम्प्टोट्स निकालो, मैं आपको तीन चार क्वेश्चन देता हूं एसिम्प्टोट निकालने के,
एसिम्प्टोट से क्या होता है ना, आपको कर्व का ना बिहेवियर मालूम चल जाता है, मतलब वो कैसे किसके लाइन के कौन सी लाइन के बीच में लाई वाई कर रहा है, थोड़ा फायदा हो जाता है कर्व स्केचिंग में। बाकी तो आई डाउट कि अदर देन हाइपरबोला किसी और का एसिम्प्टोट आपके सिलेबस में है, आई डाउट दैट। अरे हाँ, कल वो डी के 5 क्वेश्चन छूट गए थे यार। भाई मैरन कहाँ गई यार, तो तुम सॉल्व तो करो, वो निकालो हाइपरबोला में मैरन कुछ का। हाँ भाई, करके दिखाएं, कर लिया आपने? और क्या नाम है इसका, मुतासिम, आईडीआई के प्रैक्टिस के लिए ना तुम मैरन से भी कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चन से सारे टाइप वाइज। जब करूं सर, इसमें हम मतलब सी निकालने के लिए सर ऐसे कर सकते हैं क्या, वो उसको टेंजेंट बनाएंगे वो पॉइंट पे, उससे सी निकाल सकते। इसमें कर लोगे ना, इसमें कर लोगे, जनरल कर्व में थोड़ा कर पाओगे, ठीक है? अगर मैं ई वगैरह अभी क्वेश्चन देता हूं ना, तो दिखाता हूं इसमें कैसे, पहले तो एक सॉल्व तो कर दें, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर कितना आया? हेलो बॉस, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस हो, यही आया ना? तो y की वैल्यू कितनी आई बताओ, प्लस माइनस b बाय a अंडर रूट रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हां ठीक है, मालूम है दो कर्व से सिमेट्री है, हम प्लस वाले लेके चलते हैं एक ब्रांच के लिए, इधर वाला ब्रांच के लिए, है ना? दोनों ब्रांच, इसमें से दोनों ब्रांच कवर, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेंगे, फाइन। अभी y को तो mx plus c लिया, m का वैल्यू क्या है, m is b by a, come on guys, x square minus a square by x, limit x tends to infinity,
या m इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी कितना आ रहा है? अरे हाँ, तो यहां से x कितना है बताओ, यहां से मॉड, यहां से x बाहर आया ना, एक्सेस कट जाए, कितना आ गया लिमिट, b बाय a आ गया ना m यहां से, हाँ, और यहां से यहां से बताओ, यहां से बताओ माइनस b बाय रूट x का, कैसे कैसे यहां से बाहर क्या आता है, हमेशा मॉड x आता है, तो x नेगेटिव, ये तुम्हारा माइनस आएगा, लिमिट कितनी आ गई माइनस b बाय a, चंपा b बाय, हाँ तो आपका b ये आ गया m, अभी आपका वो कितना होता है c, कितना होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b बाय a x, लिमिट बोलो बॉस x टेंड्स टू इनफिनिटी इज इक्वल टू c है ना, तो b बाय a और ये इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी का फॉर्म है भाई, हेलो जो लोग लिमिट पढ़ रहे हो ध्यान देना, मैंने पढ़ाया था को लास्ट से, ध्यान रखिएगा हमेशा लिमिट, हमेशा पहले लिमिट का फॉर्म देखते हैं, फॉर्म क्या है, इनफी माइनस इनफी है ना, डेसिमलाइज कर दो, माइनस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो कॉन्स्टेंट बाई इन्फिनिटी आ गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो जीरो जीरो, सी का वैल्यू कितना आ गया जीरो, कितनी आ गई लिमिट, वाई क्या आ गया एसिम्प्टोट, एक ये आ गया और एक, अरे भाई ये आ गया, ये बात चमकती है, हाँ सर ठीक है, अरे हाँ ना कुछ बोलोगे, हाँ सर, हाँ तो कंबाइन, तो अपने पास एसिम्प्टोट की क्वेश्चन क्या आई, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा एसिम्प्टोट क्या आया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, हाँ भैया ये एसिम्प्टोट वन ये एसिम्प्टोट टू, बोलो तो कंबाइंड इक्वेशन कितनी आई, कंबाइंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये बात चमकती है, जरा फटाफट कॉपी करो, तो फटाफट बिल्कुल फटाफट कॉपी करो, बिल्कुल फटाफट कॉपी करो उसको, क्या चाहिए तुम लोग को, क्या पढ़ रहे हैं, कॉपी कर लिए क्या, हाँ सर भैया जो बोर्ड पर लिखा है कॉपी कर लिए, हाँ सर रब करें ना भाई, हाँ तो और क्या करोगे, ठीक है भाई, तो देखो अभी हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है, कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, मैंने आप, हां आप निकाल के चेक कर लेना, इसका भी एसिम्प्टोट सेम ही आएगा, आप निकाल के चेक करना, मेरी बात पे ट्रस्ट मत करो, प्लीज निकाल के चेक करना, तो आपको फील आएगी एसिम्प्टोट की, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है मैथमेटिकली, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, बाहर में क्या करो, इस माइनस 1 को नीचे दे दो, नीचे दे दो सिर्फ कुछ सेम आ जाएगा, ये बात चमकती है क्या, नथिंग मैटर है, तो आपका एसिम्प्टोट का इक्वेशन देखो क्या आ रहा है, हाइपरबोला प्लस कंजुगेट हाइपरबोला 2a,
ट्वाइस दी एसिम्प्टोट इज इक्वल टू हाइपरबोला प्लस कंजुगेट हाइपरबोला, ये बात चमकती है। हाँ सर। दूसरी चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूं मैं आपको, आई डोंट नो ये कितना काम का है, ये नहीं मालूम। एसिम्प्टोट का इक्वेशन कितना आया है, y इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, और ये कितना आया है, y इज इक्वल टू हेलो हाँ सर। तो भैया ये आप पहले तो मानो कि ये और ये एंगल बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एंगल बाइसेक्ट कर रही है, कंजुगेट एक्सिस जो है वो एंगल बाइसेक्ट कर रही है, ये बात चमकती है। हाँ सर। क्या चमकती है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एसिम्प्टोट। सही लिखा है गलत लिखा है, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, सही लिखा है ना? सही है सर। हाँ सर। हाँ सर सही लिखा है। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट कितना है, टू टैन इनवर्स बी बाई ए, बोलो। हाँ सर। एक और तरीके से एंगल निकालना चाहता हूं मैं, ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी वगैरह कितना आ रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी से बताओ कितना आ रहा है एंगल। हाँ बोलो कितना है, एच की वैल्यू कितनी है, जीरो। अरे ऐसे निकाल लो, या एम वन माइनस एम टू कर लो, तुम्हारी इच्छा है, गाय का दिमाग खराब करना, मेरे को कुछ नहीं करना होता है। कितना आ रहा है एंगल, टेंथ मैं ऐसे ही कर दूंगा, जाओ दिस माइनस एम वन माइनस एम टू टू बी बाई ए है ना, और यहाँ पे एम वन माइनस बी स्क्वायर बाय, कोई हेल्प नहीं कर रहा यार, कितना आ रहा है टू ए बी बाई, अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तुमको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से क्या इसको ई में चेंज कर सकते हो, कुछ ई में ला सकते हैं क्या, ई वगैरह सिस्टम में ला सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय सर, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो सर ए से बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना। हाँ सर। तो कुछ तो कर ही लोगे सर, इसको 2b by a स्क्वायर लिखेंगे और b by a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या करें क्या करें, 2b by a स्क्वायर जो आपने निकाला है ना, a स्क्वायर नहीं है ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर नहीं है। हाँ मैं ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई किया, a से ठीक है, a से कर दिया। हाँ अरे माइनस साइन है, नहीं हाइपरबोला में था प्लस साइन आता है। हाँ भाई बताओ सर, वो रिप्लेस कर दो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, तुम क्या अचार डालेंगे, कोई तो बोलोगे ना यार, अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना हद ही हो गई यार, मजाक चल रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कोई बोल तो रहा था, फिर चुप हो गया बच्चा, वो यहाँ से निकालो बी स्क्वायर ए स्क्वायर निकालो, क्या हो जाएगा टू बी बाई ए वन माइनस, बोलो बी बाई ए का होल स्क्वायर चमकता है, तो ट्वाइस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू माइनस ई स्क्वायर, अरे चमकता है क्या तुमको कुछ भी। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। एनीवेज थर्ड चीज आप कॉपी करो उसको, मैं क्वेश्चन दूंगा और फिर खत्म करेंगे। सही सही।
कॉपी करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हो तो बताओ। जस्ट थिंक द लॉजिक, कॉपी करो अच्छे से। क्या कुछ लॉजिक आया क्या सर? इस इक्वेशन में कांस्टेंट ऐड करके डिटरमिनेंट को कॉपी कर लिए? हाँ ठीक है। तो हमें एक और पॉइंट लिखना चाहिए था पिछले वाले में, ठीक है? क्या चीज? हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला, एसिम्प्टोट ऑल डिफर ओनली इन कांस्टेंट, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये हाइपरबोला है ना, ये किसकी इक्वेशन है भाई? हाइपरबोला किसकी है? 5x plus 11y minus 8 equal to 0 हाइपरबोला है। हम लोग पहले एसिम्प्टोट निकाल ले। 3x square minus 5xy minus 2y square plus 5x plus 11y plus c equal to 0, ठीक है? एक बार एसिम्प्टोट निकल जाएगा तो फिर कंजुगेट हाइपरबोला निकाल सकते हैं। हाँ सर। अभी एसिम्प्टोट को क्या बनाना पड़ेगा? पेयर ऑफ लाइंस, बोलो बॉस। हाँ सर। पेयर ऑफ लाइंस कैसे बना सकते हैं? या तो डेट इक्वल टू जीरो करके, हाँ, या इसको फैक्टराइज कर लो। बताओ फैक्टर क्या है? 3x एक्स माइनस वाई प्लस 2y, सही है क्या? नहीं, गलत है। फैक्टराइजेशन करो, क्या आ रहा है इसका? प्लस होगा ना सर, प्लस 2y होगा। प्लस 2y फिर 5xy कैसे आएगा? है? फिर फैक्टराइज करो, मैं नहीं हो रहा फैक्टर, बताओ। 3x है और ये x है और ये माइनस वाई है, x प्लस y और x माइनस 2y, y बढ़िया, ये चमका। और अब c1 और c2 कर देंगे, ये बात चमकती है। x का वैल्यू कितना आ रहा है? x का बताओ, x इज हाउ मच? c1 प्लस 3c2 इज 5 एंड y इज हाउ मच? C2 माइनस 2C1, चलिए चमकता है क्या? 11 होगा, ये सही लिखा ना मैंने, माइनस 2C1। हाँ, तो सॉल्व करने पे 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो कितना आता है C2 बताओ। 7C2 इक्वल टू 21, C2 कितना आ गया? 3। C2 कितना आ गया? 3। अगर C2 3 आ गया तो C1 कितना आ रहा है बताओ? माइनस 4। माइनस 4, तो
तो अभी c कितना है, c1 c2 ना कितना आएगा वैल्यू बताओ, -12। ये मेथड वन है, आप हमेशा कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या आ गई, 3x² - 5xy - 2y² + 5x + 11y, बोलो भाई, -12 = 0, ठीक है। अभी कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है, कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है, 2a - h। हाँ, तो क्या वैल्यू आएगी, 2c - 8 = उसका कांस्टेंट है 24 प्लस -16 आएगा उसमें कांस्टेंट। हाँ, क्यों कैसे, ये तो था ना। हाँ, कैसे मैम ने कर दिया वो, नहीं ये कैसे किया, ये वाला तो वैसे ही किया नॉर्मली। हाँ हाँ, अरे भाई ऐसे नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे करते, वर्टिकली काटते हैं ना, किससे क्या करते हैं, एक के नीचे एक करते हैं, और यहाँ पर दो तीन बार कटा है ना। हाँ, तो काटू ना नीचे नीचे एक बार, ऐसे कौन जो जो काटे वो लिखते हैं, बढ़कर लिखो ढंग से, जाओ सही है, जाओ सही करो, जो करना करो। हाँ, तो कितना रखा है बोलो, 3x² - 5xy, कमन गाइस बोलो, -2y² + 5x + 11y, कितना है यहाँ पे कांस्टेंट, कितना आ रहा है, 16 - 16, -16 नहीं आएगा रे, हाँ -16 ही आएगा। अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर, हाँ सर। अब बताओ एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे, अभी बताया ना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या दिया आपको, बताओ हमने कुछ किया था ना, रूट 2√t² - 1 अपॉन 2√t² - 1/2 - c² tan 2 थीटा इस लाइन का इक्वेशन है, बस शुरू के तीन टर्म यूज होते हैं ना, तो tan 2 थीटा निकल जाएगा और वहां से e आ जाएगा, ये बात चमकती है क्या, हाँ सर, अरे ये चीज चमकती है कि हवा में बातें कर रहे हैं हम लोग, हाँ सर। कांस्टेंट बताइए ना, क्या बोलो, कंजुगेट एक्स, कंजुगेट हाइपरबोला, क्या 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 बोल रहा है आप, आपने बोला ना कांस्टेंट में डिफर होते हैं, तो कांस्टेंट कैसे आया, कंजुगेट हाइपरबोला, अरे ये हाइपरबोला था, हमने एसिम्प्टोट लिखा, एसिम्प्टोट में सी माना, सी का वैल्यू निकाल लिए, अभी मेरे पास फॉर्मूला है 2a = hyperbola + conjugate hyperbola। अच्छा ठीक है सर, समझ गया, हाँ इससे ठीक है, वैल्यू हम लोग b² / a² = t² - 1 से भी निकाल सकते हैं, क्या 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 b² / a² = t² - 1 से, b कहां पे, b कहां है, व्हाट इज b, वेयर इज a, हाउ विल यू फाइंड b एंड a, अच्छा ठीक है, हां ठीक है, भाई इतना क्लियर है क्या सर, साइड प्लीज, हाँ सर, सर साइड प्लीज, हाँ साइड प्लीज, है अरे यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, जरूरत है क्या, एक और चीज चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो, टू कॉन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल, टू कॉन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल, प्रूफ करना है इसको, एओडी के शीट में है ये क्वेश्चन, फिर ये प्रूफ करना, कॉन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल। एनीवेज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं,
इफ अ हाइपरबोला एंड अ एलिप्स आर कॉन्फोकल, इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉन्फोकल, दोनों का फोकस सेम है, देन दे आर ऑर्थोगोनल. Can you think this? Can you think this logically? Hello? अरे भाई कोई बोल तो दो यार. हाँ ना. हाँ सर. मैं आपको हिंट दे, बोर्ड पे हिंट बना रहा हूँ, ठीक है? क्या हिंट है ये? क्या है बताओ, क्या प्रॉपर्टी है? एंगल बाइसेक्टर. क्या प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर? ठीक है, ये सेम चीज कहाँ होल्ड करेगी? एलिप्स में भी. और ये सेम चीज कहाँ होल्ड करेगी? हाइपरबोला में. हाँ, अब बताओ इसमें. अब बताओ इसमें सर, जो दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं ना? हाँ, इलिप्स का नॉर्मल हाइपरबोला का टेंजेंट रहेगा. कैसे कैसे? हम बोलो, हम जो बोल पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में निकालते हैं दो एंगल बाइसेक्टर, वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना? मतलब उसका क्या यूज है? सिंपल सी बात, ऐसा देखो ना तुम, इसको ये इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो ना, यहीं पे ऑब्जर्वेशन से काम खत्म हो जाएगा ना. देखो ना कैसे, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें अगर एलिप्स की बात करें हम, तो ये एलिप्स का टेंजेंट है ना? हाँ सर. ये एलिप्स का टेंजेंट, ये एलिप्स का, सॉरी, हाँ, ये एलिप्स. तो भाई सिंपल सी बात है कि ये एंगल, और मैं एलिप्स की बात कर रहा हूँ, एलिप्स में ये नॉर्मल है और टेंजेंट है. तो ये जब ये ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं पीएस वन पीएस टू, तो क्या मालूम है हमको, ये और ये बराबर है, हाँ या ना? हाँ सर. अभी सेम सिस्टम मैंने हाइपरबोला में बनाया, ये ट्राइंगल तो वैसा का वैसा ही रहा. इसका मतलब हाँ, ये हाँ. जो लाइन थी, ये जो लाइन थी वो हाइपरबोला के लिए क्या हो गई? टेंजेंट. 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 और तो समझ में आया क्या कि हाइपरबोला का टेंजेंट क्या हो गया? एलिप्स के लिए नॉर्मल. ठीक है. अच्छा, दो कॉन्फोकल, मैं ज्यादा डीप जा रहा हूँ क्या यार, टू कॉन्फोकल कॉनिक्स, छोड़ो यार ये, मैं फालतू में टाइम पास हो जाएगा. ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. हेलो भाई, क्लियर है? ठीक है, तो हेलो. हाँ सर. एक काम करो कि देखो ऐसा है, तुमको भी चमकी गया होगा ना, टॉपिक तो खत्म हो चुका है बहुत पहले ही. नहीं चमका अभी? हाँ. चमक गया है ना यार. ठीक हाँ. है हाँ. तो ऐसा है कि कैसे करें होमवर्क इसका, 30 हम लोगों करना क्या क्या है मैं बता देता हूँ. एग्जाम्पल 32 करना है, एग्जाम्पल 33 करना है, पहले अपना टारगेट क्लियर कर लिया जाए. ठीक है, एग्जाम्पल 33 करना है. हाँ, एग्जाम्पल 33 करना है. 34 में डायमीटर वाले क्वेश्चन एटलीस्ट एलिप्स में तो अवॉइड ही करने वाले हैं, मैं तो पागलपन हो जाएगी करते करते. 34 में करना है. अच्छा, 35 करना है, खत्म ही नहीं होगा ये, करते रहना है करते रहना है. ठीक है, 35 में थोड़े बहुत करने हैं. फिर 36 करना है,
36 करना है। शीट चालू कर सकते हैं ना, रुको भाई 36 करना है, दो मिनट रुक जाओ भाई, मैं समझ तो जाए वो करना क्या क्या नहीं करना है, पता ही नहीं चल रहा है। 37 करना है ठीक है, और 38 तो मतलब करना ही करना है ठीक है, इतनी एक्सरसाइजेस हैं जो करनी है ठीक है। तो एक काम करते हैं, 36 को पहले होमवर्क ले लेते हैं, अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी तो आपकी नेक्स्ट 3-4 दिन क्लास नहीं होगी ना सब, है ना? हाँ। तो 36 और 32 दोनों में 30-30 क्वेश्चन है, तो हर दिन का 15 के हिसाब से करोगे तो बन जाएगा। एक एक्सरसाइज एलिप्स का है, एक एक्सरसाइज हाइपरबोला का है, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है चलो, जिनके पास टाइम है आप लाइन से पूरा बनाना सॉल्व करो, शुरू कर दो। सर 30 का भी बचा हुआ है ना? 30 में कितना, 10-15 क्वेश्चन बचा है ना? हाँ 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। 20 तक कर लियो ना? हाँ हाँ सर। 20 के आगे करना है तो कर लो 20 के आगे भी करिए। 31 में क्या है सर? 31 में दो क्वेश्चन दिया, पहला और दूसरा। अच्छा हाँ, तो वो भी लिख दो सर बोर्ड पर। लिखा था पहले 31 का 1 और 2, 30 का 21 से एंड। सर 6th भी बोला था ना करना है। अच्छा टीपी बाय टीक्यू कह रहे हो, ठीक कर लो उसको। ठीक है पहले ये दोनों कर लो यार, एलिप्स वाला कर लो, ये भले ही छूट जाए अंतर नहीं पड़ता है, पहले एलिप्स और हाइपरबोला का एक्सरसाइज कर ले। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। एक और क्लास लगेगी कॉनिक्स में, वो उसके क्वेश्चन थोड़े कर लेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। ठीक है चलो।